Very good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on a very first webinar of New Year 2021 on the subject annual compliances and recent amendment under Companies Act 2013. And on this subject, our well-known company secretary CS Divesh Goyal is with us. Goyalji is a fellow member of Institute of Company Secretary of India, having rich experience in legal and secretarial matters. He is young and energetic, practicing company secretary with zeal to dig deep into the nuances of corporate laws. Being a researcher at heart, he has done rigorous research and has written various articles on Companies Act 2013 to keep at peak with the latest changes and critically analyzes the implication of various provisions of the new act. His articles have been published in ICSI magazines and popular at various professional websites. He has also deliberated at various forums on company law and allied matters. He has also co-authored various publications of ICSI, including Company Law Premier Book. This is the brief introduction of our today's speaker, but he is a well-known and so many times he visited our study circle and bless us on various provisions of Companies Act. With this, I once again welcome you, sir. And I also welcome all the attendee who's in a very large this time. I hope within a 5 minute, this Sankhya will cross our limit. So with this, I once again welcome and over to you, sir. Thank you so much, Ajayji. Thank you so much for the invitation. Every time you are calling me on the डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ द कंपनीज एक्ट. अब आपके स्टडी सर्कल से तो ऐसा प्यार मिल रहा है ना कि हर बार जब भी आप पूछते हैं तो बस ये रहता है कि आप बताइए कब करना है. वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट. थैंक यू सर. चाहे वो फिजिकल सेमिनार हो या वेबिनार हो, बट अब स्टडी सर्कल से एक रिलेशन बन गया है. जी सर. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वेबिनार ऑफ द 2021. कल ही 10 तारीख को सबका एक बार प्रेशर कम हुआ आईटीआर का, तो राजेश जी ने सही टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी रखी कि अभी उसका प्रेशर कम किया, एनुअल फाइलिंग्स पे लगना है तो थोड़ा एनुअल फाइलिंग्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं. कैसे स्टार्ट करना है, एनुअल फाइलिंग्स पे क्या लगना है. तो थैंक यू सो मच राजेश जी फॉर कीपिंग दिस टॉपिक, बिकॉज डेफिनेटली वी ऑल आर द प्रोफेशनल्स. ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एनुअल फाइलिंग का. जनरली तो आज तक तो हम एनुअल फाइलिंग का टॉपिक डिस्कस करते थे अक्टूबर नवंबर मंथ में. अब ड्यू टू कोविड जब सब कुछ थोड़ा आगे बढ़ गया है तो एनुअल फाइलिंग इस बार हम जनवरी फरवरी में डिस्कस कर रहे हैं. तो दिस टाइम जनवरी एंड फरवरी इज द मंथ फॉर द एनुअल फाइलिंग, वी कैन से, बिकॉज़ अब जब टैक्स सब रिटर्न्स कंप्लीट हो गई है, बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है, तो सो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप कंपनीज का तो एनुअल फाइलिंग ही है. तो वी ऑल हैव टू स्टार्ट द एनुअल फाइलिंग, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी रिक्वायर कंसंट्रेशन टुडे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट लाइक ऑलवेज कि व्हाट एवर क्वेरीज यू आर हैविंग, अगर जो भी क्वेरी होती है प्लीज चैट बॉक्स में या आंसर बॉक्स में मेंशन, क्वेश्चन बॉक्स में मेंशन करें, सो दैट साइमल्टेनियसली हम ले सकते हैं क्वेरीज ऑन टॉपिक से रिलेटेड. एंड वन मोर रिक्वेस्ट आई वुड डू टू ऑल ऑफ यू कि इन दिस प्रेजेंटेशन आई विल आल्सो आस्क सम क्वेश्चन इन द बिटवीन. सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट व्हाट एवर आंसर वी नो कि यस नो व्हाट एवर ट्राई टू मेंशन इन द चैट बॉक्स. बिकॉज जनरली क्या होता है कि नॉर्मल सेमिनार्स में वी हेसिटेट कि हमें आंसर देना है नहीं देना है, क्वेश्चन पूछना है नहीं पूछना है. तो वेबिनार्स ने एटलीस्ट कोविड ने वेबिनार्स ने हमें एक अपॉर्चुनिटी ये तो दिया है कि हम उस हेसिटेशन को रिमूव करके एटलीस्ट आंसर्स को चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को इजिली चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. सो प्लीज अकॉर्डिंग माई पर्पज फॉर दिस वेबिनार की इस वेबिनार के बाद एनुअल फाइलिंग से रिलेटेड हमारे पास कोई क्वेरी नहीं हो. जो भी आज क्वेरी हो हम यहीं पर डिस्कस कर ले. I will also ask so many questions like always ki, because क्या है क्वेश्चन से एक दिमाग में नए नए प्रोविजन आते हैं, एक इंट्रैक्शन बना रहता है. तो जब तक सेमिनार्स नहीं होते हैं लेट्स मेक दिस वेबिनार इंट्रैक्टिव. तो इस वेबिनार के बेस पे हम शुरू करते हैं. सो आज का टॉपिक जो हमने रखा है राजेश जी ने दैट इज रिलेटिंग टू द एनुअल फाइलिंग क्रिटिकलिटीज. एक तो एनुअल फाइलिंग क्या में हमें क्या क्या चीजों पर मेन फोकस रखना है. और टुडे आई विल जस्ट आई विल ट्राई टू कंप्लीट द टच द प्रोविजन कि एनुअल फाइलिंग में हमें किन प्रोविजंस पे ज्यादा क्रिटिकलिटीज है. तो जो क्वेश्चंस मेरे को रेगुलर बेसिस पे मेंबर से मिलते हैं एज मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जॉइनिंग दिस वेबिनार नोज कि आई हैव माय ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स आल्सो ज्ञान गुरुकुल. तो जो भी हमें वहां पे रेगुलर बेस पे
professional brothers ke questions milte hain. I will try to discuss all those questions also in this webinar. Our second topic for today is the amendment under Companies Act due to COVID-19 in last, we can say, 1 year, last 9 months. So last 9 months, 10 months mein jo bhi amendments bhi aaye hain, we will try ki hum un amendments ko bhi discuss karein. Aur discussion ke saath we will analyze ki un amendments ka impact kya hai hamare provisions pe. Because we all are the chartered accountant, we are working with many companies as a statutory auditor, internal auditor, as a consultant. So until unless we will not analyze the impact of the amendment, we will not able to serve them better. So first we should understand ki why these analyze and what is the impact of the analyzing amendments on the companies. So let's start today's presentation with the annual return. Let me share the screen, then let's start the provision. So first we will discuss about the annual report. Then today's presentation, we will discuss one by one the provision relating to the director's report, compliance relating to the annual general meeting, because annual general meeting is also a very important concept. If we will get the time, so we can discuss all the annual compliance calendar also. What are the due dates in the coming days? What are the impact of the returns we are not able to file? Before going to discuss the annual return, one more provision I would like to discuss with everyone. वो provision ये है. हमें पता है कि Companies Act में काफी सारी relaxation provide की थी. हमने COVID period में भी webinars किए थे, relaxations को discussion किया था. उनमें से एक relaxation थी Company Law Fresh Settlement Scheme. And second one was the LLP settlement scheme, जो बहुत अच्छी relaxation थी जो ministry ने provide की थी. उस relaxation के according we were allowed to file any form of the previous year, including this year, even after due date, without any additional fees, जो उसका first benefit था. Second benefit ये था, अगर हम due date के बाद भी file कर रहे हैं तो अभी company के ऊपर कोई penalties नहीं आएगी, कोई adjudication, कोई ROC का notice company को नहीं आएगा. ये उस scheme का benefit था. अब वो स्कीम 31 दिसंबर को ओवर हो गई है. As we all are aware कि बहुत सारे एसोसिएशन से, इंस्टीट्यूट से, मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशंस तो गई है रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ स्कीम, बट एज ऑफ नाउ इट इज 11th ऑफ जनवरी, 11 डे हैज ऑलरेडी बीन पास, बट टिल नाउ देयर इज नो नोटिफिकेशन, सो वी कैन नॉट से कि इट मे कम और मे नॉट. तो आज के दिन जो प्रोविजन है ये है कि वो स्कीम आज के दिन ओवर हो चुकी है 31 दिसंबर को. तो आफ्टर दैट देयर इज नो रिलैक्सेशन फॉर द लेट फाइलिंग ऑफ फॉर्म. अब कोई ऐसे फॉर्म्स कंपनी के नॉट ओनली रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर बट आल्सो रिलेटिंग टू द 2021, मतलब 1 अप्रैल के बाद का भी कोई ऐसा फॉर्म था जिसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर से पहले बनती थी, बट कंपनी ने 31 दिसंबर तक अगर उस फॉर्म को नहीं फाइल किया है, तो उस केस में अगर आज के दिन आप उस फॉर्म को फाइल करते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द एडिशनल फीस. आज के दिन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो स्कीम थी वो 2020 से पहले के रिलेटेड फॉर्म्स के लिए थी और अभी हमारे पास कुछ और रीजन है, कुछ और रिलैक्सेशन है. तो आज के दिन में फॉर्म फाइलिंग में कोई रिलैक्सेशन नहीं है. इवन एज पर द अपडेट्स ऑन द मिनिस्ट्री वेबसाइट, इवन ऑन द 1 जनवरी मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया था कि MGT 7 पे, AOC 4 पे, किसी भी फॉर्म पे अब जो फीसिस लगेगी, जो एडिशनल फीसिस लगेगी, वो एक्चुअल बेसिस पे लगेगी. उसमें अब कोई भी रिलैक्सेशन का प्रोविजन एज ऑन डेट तो नहीं है. तो इट्स माय रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बिकॉज अब क्या है कि पुराने फॉर्म्स पे भी एडिशनल फीसेस लगने लग गई है. सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट मैंने फेस किया है 2020 के, दैट इज एलएलपी के फॉर्म्स. एलएलपी की ईयरली हमें 2 रिटर्न्स फाइल करनी होती है, एलएलपी 8 जाता है और एलएलपी 11 जाता है. एक फॉर्म की ड्यू डेट होती है 30th मई, दूसरे की होती है 30th अक्टूबर. अब जिस एलएलपी ने एलएलपी 11 फॉर्म 30th मई तक नहीं फाइल किया, तो उसके बाद एलएलपी में प्रोविजन है 100 रुपीज पर डे एडिशनल फीस. अगर 30th मई तक नहीं फाइल किया तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलरेडी 7 मंथ, मतलब 210 डेज. अब 10 डेज और चले गए हैं, बिकॉज टुडे इज 11 जनवरी, 220 डेज इनटू 100, 22,000 रुपीज की एडिशनल फीस आ रही है एक एलएलपी के फॉर्म पे, जिसकी एक्चुअल फीस है 50 रुपीज.
अगर उस फॉर्म को अब हमने 31 दिसंबर तक नहीं फाइल किया था बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आज की डेट में उस फॉर्म की फीस 22,000 रुपीज आ रही है। और दूसरा फॉर्म जो LLP 8 जिसकी डेट थी 30 अक्टूबर, नवंबर दिसंबर ऑलरेडी 60+10 70 डेज, उसकी फीस आ रही है 70,000 7,000। और रेगुलर बेस पे हम बोल सकते हैं कि 200 रुपए हमारी फीस बढ़ रही है 100 रुपीज LLP 11 की, 100 रुपीज 8 की, जितना हम डिले करते जाएंगे। तो अंटिल अनलेस अगर मिनिस्ट्री स्कीम नहीं लेके आती है, कोई एक्सटेंशन नहीं लेके आता है, तो LLP के फॉर्म्स पे एक काफी हैवी एडिशनल फीसेस कंपनीज को पे करनी पड़ रही है। तो देख सकते हैं 20,000 की एडिशनल फीस एक 50 रुपए वाले फॉर्म पे, वो भी किसी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं, 31 मार्च 20 फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ था उससे रिलेटेड फॉर्म है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब जो हमें नेक्स्ट प्लानिंग करनी है एज अ प्रोफेशनल या क्लाइंट्स को गाइड करना है, तो वी हैव टू प्लान कि हमें कैसे फॉर्म्स फाइल करने हैं, कैसे अपनी फीसेस को बचाना है, कैसे कंप्लायंसेस को ऑन द टाइम पूरा करना है। बिकॉज ऑफ कोविड रीजंस काफी सारे, जैसे DPT 3 की फॉर्म की डेट बढ़ गई थी, MSME की डेट बढ़ गई थी, बहुत सारे फॉर्म्स की डेट बढ़ गई थी। अब अगर कोई भी फॉर्म, एक थंब रूल है कंपनी एक्ट में, अगर किसी फॉर्म की ड्यू डेट थी और ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी मिनिस्ट्री ने, जैसे फॉर एन एग्जांपल DPT 3 की ड्यू डेट थी 30 जून, मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड कर दी 31 दिसंबर, अगर हमने 31 दिसंबर तक नहीं फाइल किया तो एडिशनल फीस लगेगी एक्चुअल डेट से। एडिशनल फीस 1 जनवरी से नहीं लगेगी, एडिशनल फीस लगेगी जब एक्चुअल ड्यू डेट ओवर हुई, एक्चुअल ड्यू डेट 30 जून को ओवर हुई, तो एडिशनल फीस 1 जुलाई से लगेगी। तो ये फॉर्मूला सभी फॉर्म्स के लिए एग्जैक्टली सेम है। तो अगर किसी का फॉर्म फाइलिंग से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज फ्रेंकली यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज एडिशनल फीसेस एक्चुअल डेट से लगेगी। अब चाहे वो 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम या मैक्सिमम 12 टाइम तक हो, और जहां पे 100 रुपीज पर डे है जैसे कि एनुअल फाइलिंग, तो वहां पे 100 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग हमें एडिशनल फीसेस पे करनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री ने तो वो सभी रिलैक्सेशन को रिमूव कर दिया है। आज के डेट में फॉर्म फाइलिंग पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पेनल्टी सेविंग पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने आज के टॉपिक, दैट इज रिलेटिंग टू द एनुअल फाइलिंग फर्स्ट। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द एनुअल फाइलिंग, बिकॉज एनुअल फाइलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट राइट नाउ जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। जब भी एनुअल फाइलिंग की बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ऑलवेज केम इन माई माइंड, वट इज द डिफरेंस बिटवीन एनुअल रिपोर्ट और एनुअल रिटर्न। I want कि आप लोग चैट बॉक्स में आंसर मेंशन कर सकते हैं। Hope it is allowed to mention the answer in the chat box कि किसी के अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स है कि what is the difference between annual return और annual report? क्या दोनों सेम ही चीज है या दोनों में कोई डिफरेंस है? You can just mention yes or no. So at least इससे क्या रहेगा कि yes, we all are focusing on the things की जो हमारी चल रही है। एनुअल फाइलिंग और एनुअल रिटर्न में कोई डिफरेंस है? वन आंसर आई रिसीव नो। और किसी के कोई व्यू? वी ऑल आर नाउ वी आर हियर, मोर देन 150 प्रोफेशनल्स आर हियर, तो एटलीस्ट 5-10 आंसर्स तो मेरे को हर क्वेश्चंस के मिल ही सकते हैं, आई विल एक्सपेक्ट दैट। तो एनुअल फाइलिंग और एनुअल रिटर्न में जैसे समवन हैज मेंशन कि देयर इज नो डिफरेंस, कुछ का आंसर है यस देयर इज अ डिफरेंस। Then with the register of companies, annual return contains many documents like director report. Yes, annual report consists of this, while annual return is return required to be filed with the ROC. So I have received some answer. It's look good ki sab answers kar rahe hain, matlab everyone is participating and everyone is listening the things. Okay. So ab annual return or annual report, ab in answers se bhi dekh sakte hain ki hum answers mein kitna variation hai. Some are in the favor of no, some are in the favor of yes. तो वैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आज हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे इस वेबिनार में। सो जो ये छोटी छोटी वी कैन से कि हमारे माइंड में प्रोविजंस में डिफरेंशिएट है, वो हम एक सॉल्व कर पाए। अब आते हैं एनुअल रिपोर्ट फर्स्ट क्या होती है, देन आई विल कम ऑन द एनुअल रिटर्न। चलो पहले एनुअल रिटर्न बताते हैं। एनुअल रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट, फर्स्ट थिंग देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ। एनुअल रिपोर्ट और एनुअल रिटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस है। Annual return is just a return in MGT 7 form under section 92. As per section 92 ke according,
एनुअल रिटर्न एक बस रिटर्न है MTT 7 जो हमें ROC में फाइल करना पड़ता है और एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं तो लेट मी शेयर द नेक्स्ट स्क्रीन। एनुअल रिपोर्ट इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट में मेंशन है सेक्शन 2 क्लॉज 40 में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इफ एप्लीकेबल एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। All these documents together call as an annual report. So you can see, annual report is a much bigger than the annual return, and there is a big difference between both annual report and annual return. There is a big difference. Annual return is just MDT 7 form, and annual report is including so many documents from balance sheet to director's report or auditor's report. अब जब नाउ आई थिंक टुडे वी हैव क्लियर कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, एनुअल रिटर्न क्या होती है। एनुअल रिपोर्ट में ये सब डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो हमने डिस्कस किया। एनुअल रिटर्न जस्ट MGT 7 एज पर सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो नाउ वी कैन ऑलवेज से नाउ देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ। एनुअल रिटर्न इज अ वेरी स्मॉल थिंग, एनुअल रिपोर्ट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अ कंपनी। अब नेक्स्ट थिंग आते हैं, अभी हमने जब एनुअल रिपोर्ट डिस्कस किया देयर वॉज थिंग्स कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, P&L, notes to account, cash flow statement. वहाँ पे एक पॉइंट था cash flow statement. क्या cash flow statement सभी companies को mandatory है या कुछ companies को exempted है? सभी companies को cash flow statement बनाना ही पड़ेगा या कुछ companies को we can say कि exemption भी है cash flow statement से? पहला question हम पूछ लेते हैं, क्या cash flow statement सभी को बनाना है? Exemptions are there. Someone has mentioned कि कुछ exemptions है। Exempt कौन है? क्या private companies exempt है? क्या एक company turnover base पे exempt है? Basis क्या है? Exemption कौन है? किसको exemption है? Cash flow नहीं बनाना है। Because many time I have seen कि जब हम ministry में या RD में या NCLT में applications file करते हैं ना, balance sheets में cash flow statement missing होता है। और वो reason क्या होता है कि we are not clear कि कौन सी company को बनाना है, कौन सी company को नहीं बनाना है। So, कौन कौन सी कंपनी को कैश फ्लो नहीं बनाना है? कैन आई से कि प्राइवेट कंपनीज को कैश फ्लो एग्जम्प्ट है? सी लाइक वी कैन से सम पर्सन आई सेइंग कि यस एग्जम्प्शंस है, कुछ बोल रहे हैं कि एग्जम्प्शंस नहीं है। सो वी आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। फॉर दिस डिफरेंट ओपिनियन ओनली आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस, बिकॉज जब हम आंसर देते हैं तो हम और सोचते हैं कि चीजों में क्या है क्या नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या प्राइवेट कंपनीज को एग्जाम्प्ट है सभी को? देन आई विल कम ऑन द आंसर, क्या सभी प्राइवेट कंपनीज को एग्जाम्प्ट है? समवन हैज मेंशन नो, मतलब सम टाइप ऑफ कंपनीज को एग्जाम्प्ट है। तो अब हम आते हैं मेन आंसर पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, सिर्फ तीन टाइप की कंपनीज को एग्जाम्प्ट है। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। इन तीन टाइप की कंपनीज को छोड़ के बाकी सभी कंपनीज के ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी है। अगर आपकी कंपनी नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी है, अब वो चाहे वर्किंग कंपनी है नॉन वर्किंग कंपनी है, बट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब स्मॉल कंपनी की हम बात करते हैं तो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन बोलती है कंपनी विच इज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 50 लाख, टर्नओवर लेस देन 2 करोड़। अगर इनमें से एक कंडीशन मैं फुलफिल कर रहा हूं, एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो क्या कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी या क्या या नहीं नॉन स्मॉल? कंपनीज एक्ट में दो क्राइटेरिया है, एक तो है कि बोलता है कि पेड अप कैपिटल 50 लाख से नीचे, दूसरा बोलता है टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे। मेरी एक लिमिट तो फुलफिल हो रही है, दूसरी लिमिट फुलफिल नहीं हो रही है, तो अब क्या मैं स्मॉल कंपनी होऊंगा या नॉन स्मॉल? आई हैव रिसीव्ड वन आंसर, मेरी टर्नओवर तो है 5 लाख, कैपिटल है 60 लाख, एक स्मॉल, एक कंडीशन फुलफिल दूसरी नहीं। अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, टर्नओवर तो 2 करोड़ से नीचे है, तो वेदर माय कंपनी विल बी स्मॉल कंपनी या नॉन स्मॉल कंपनी? बोथ आर नेसेसरी, बोथ शुड बी फुलफिल्ड। यस,
So someone has mentioned ki, see, हमारा purpose ही ये है ऐसे point discuss करने का कि हमारे mind में clarity आए. अगर मैं आज आऊंगा presentation पढ़ के आपको बता के चला जाऊंगा, you will forget. बट अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके आंसर डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली माइंड में एक प्रोविजन रहता है. अभी हम देख सकते हैं कि अभी इस क्वेश्चन में भी दिया था टू टाइप ऑफ आंसर. कुछ ने बोला है कि एक कंडीशन फुलफिल करनी है, कुछ ने बोला है दोनों कंडीशन. तो जैसे राजेश जी ने बोला है कि हियर वी हैव टू फुलफिल बोथ द कंडीशन. अगर दोनों कंडीशन हम फुलफिल करते हैं तभी हम स्मॉल कंपनी है. एक भी कंडीशन अगर हमने क्रॉस कर दी तो वी आर आउट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्मॉल कंपनी. तो वहां पे एंड है और वर्ड नहीं लिखा हुआ. कंपनी हैव टू फुलफिल बोथ द कंडीशन. दोनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे मतलब मेरी पेड अप कैपिटल भी 50 लाख से नीचे होने चाहिए और मेरी टर्नओवर भी 2 करोड़ से नीचे होने चाहिए. दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी मैं अपनी कंपनी को एक स्मॉल कंपनी कंसीडर कर सकता हूं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस पर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. सेक्शन 8 कंपनी है मेरी, उसकी टर्नओवर तो है 1 करोड़, कैपिटल है 20 लाख. अब वो स्मॉल हो गया नॉन स्मॉल, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं, स्मॉल कंपनी मानेंगे या नॉन स्मॉल कंपनी मानेंगे? एनीवन कैन आंसर? सेक्शन 8 कंपनी है मेरी, टर्नओवर है 1 करोड़, कैपिटल है 20 लाख, कैपिटल 50 से नीचे है, टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, दोनों कंडीशन मैं फुलफिल कर रहा हूं प्रैक्टिकली, दोनों कंडीशन अच्छे से फुलफिल हो रही है. तो मेरी कंपनी स्मॉल है या नॉन स्मॉल कंपनी है? Someone has mentioned yes, small company. दो क्वेश्चन, दो आंसर आ चुके हैं स्मॉल कंपनी. किसी और का कोई और व्यू? सेक्शन 8 एग्जम्प्ट, मतलब हमारा यह क्वेश्चन है एग्जम्प्शन नॉन एग्जम्प्शन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है कि वो स्मॉल कंपनी है या नहीं है. क्योंकि स्मॉल होगी तो अपने आप ओबीसी से वो कैश फ्लो बनाने से एग्जम्प्ट हो जाएगी, स्मॉल नहीं होगी तो कैश फ्लो बनाना पड़ेगा. तो मेन हमें जो फाइंड आउट करना है कि कंपनी स्मॉल है या नहीं है. बिकॉज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम जब ऑडिट्स करते हैं, चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, जब फाइनेंशियल रेडी करते हैं तो वी शुड बी क्लियर ना कि कंपनी का स्टेटस क्या है. क्योंकि अगर हमारी कंपनी स्मॉल कंपनी है जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं तो हम कैश फ्लो नहीं बनाएंगे, और वही नॉन स्मॉल कंपनी है तो हम कैश फ्लो बनाएंगे. और बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस भी होंगे कंपनीज एक्ट के जो स्मॉल होने के कारण हम नहीं करते हैं बट नॉन स्मॉल होने के कारण हम करते हैं. तो आई हैव रिसीव्ड 3 or 4 आंसर, ऑल हैज मेंशन कि यस इट विल कंसीडर एज अ स्मॉल कंपनी. तो अब इसमें छोटा सा यहाँ पे वी कैन से कि डाइवर्जन है. अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है सेक्शन 8 कंपनी शैल नॉट कंसीडर एज अ स्मॉल कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी always out of the preview of the small company. तो section 8 तो कभी भी small नहीं बनेगी. चाहे आपकी 1 लाख की capital है, nil turnover है, फिर भी आप small company नहीं बनोगे. तो we have to be keep this point in mind कि section 8 company कभी भी small company नहीं बनेगी. section 8 company हमेशा non-small company ही होगी. So we have to be very clear on this thing कि section 8 shall be always non-small company. और यही बात अगर मैं पब्लिक कंपनी के लिए भी करता हूं, यही बात मैं अगर पब्लिक कंपनी के लिए करता हूं तो पब्लिक कंपनी भी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी एज पर कंपनीज एक्ट. चाहे पब्लिक कंपनी की निल टर्नओवर और 1 लाख की कैपिटल है, फिर भी वो स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी, ऑलवेज विल बी कंसिडर एज अ नॉन स्मॉल कंपनी. तो पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ये दो ऐसे टाइप ऑफ कंपनीज है जो हमेशा नॉन स्मॉल की कैटेगरी में ही फॉल करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट ऑफ द कैपिटल और इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट ऑफ द टर्नओवर. सो जब मैंने बोला कि सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली सेक्शन 8 कंपनी को कोई एग्जम्पशन नहीं है फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. सेक्शन 8 कंपनी को तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा. सो नाउ वी आर क्लियर कि सिर्फ 3 टाइप ऑफ कंपनीज को कैश फ्लो नहीं बनाना, ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी. स्मॉल कंपनी में कभी भी सेक्शन 8 और पब्लिक कंपनी फॉल नहीं करेगी. आई नो वी आर डिस्कसिंग द स्मॉल पॉइंट्स, बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी पॉइंट पे जब हम कंप्लायंसेस की बात करते हैं एक लेवल पे. सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ कंपनीज. जब हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो बहुत टाइप की कंपनीज है.
बट जनरली जो हम रेगुलर बेस पे वर्किंग करते हैं एज अ प्रोफेशनल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं, जनरली हम 6 टाइप की कंपनीज पे करते हैं, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, नॉन स्मॉल कंपनी, पब्लिक लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी, डीम पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी। जनरली जब भी हम ऑडिट्स करते हैं, whether it is an internal audit, whether it is a statutory audit or any other type of audit, हम generally 6 type of companies के ही ऊपर work करते हैं। तो आज हम इन 6 टाइप ऑफ कंपनीज को डिस्कस करेंगे, जबकि इनके अलावा भी बहुत कंपनीज होती है, जैसे प्रोड्यूसर कंपनी, निधि कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, फॉरेन कंपनी, और भी बहुत टाइप की कंपनीज होती है, बट जनरली जो हम रेगुलर बेस पे वर्क करते हैं, हम इन 6 टाइप ऑफ कंपनीज को करते हैं। इसमें से 1 पर्सन कंपनी हम सभी को क्लियर है, 1 पर्सन कंपनी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विद ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। स्मॉल कंपनी अभी हमने डिस्कस की, नॉन स्मॉल भी क्लियर है। पब्लिक, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है, पब्लिक स्टेटस है पब्लिक। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड पब्लिक कंपनी? क्या कोई बताएगा डीम्ड पब्लिक कंपनी का क्या मीनिंग है? क्या डीम्ड पब्लिक कंपनी जैसा कंसेप्ट भी है कंपनीज एक्ट में? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, क्या कोई ऐसा कंसेप्ट है कंपनीज एक्ट में डीम्ड पब्लिक कंपनी? 1956 एक्ट में डेफिनेटली एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई थी डीम्ड पब्लिक कंपनी की, बट 2013 एक्ट में ऐसी कोई डेफिनेशन डीम्ड पब्लिक कंपनी की नहीं दी हुई है। कोई ऐसा कंसेप्ट है कंपनीज एक्ट में कि डीम्ड पब्लिक कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है? कहीं है डेफिनेशन? एनीवन वांट टू आंसर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड पब्लिक कंपनी? से एक आंसर मेरे पास आया है, क्या कोई और आंसर है डीम्ड पब्लिक कंपनी क्या हो सकती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड पब्लिक कंपनी? Then such company became deemed company. Any private company which is a subsidiary of a public company, such companies consider. Okay, 2-3 person have given the answer. अब ये answers तो आए हैं, but कहीं definition दी हुई है public company, deemed public companies की Companies Act में? 1956 में तो definitely definition दी हुई थी, but क्या 2013 Act में कहीं हमें definition मिलेगी कि deemed public company क्या होती है? I don't think कि 1956 में कहीं definition है। अगर डेफिनेशन नहीं है तो हम कहां से क्राइटेरिया लेके आ रहे हैं कि सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज अ कंसीडर एज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी? सो सम पर्सन हैज गिवन द आंसर, आई वुड सजेस्ट ऑल द मेंबर्स टू प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चन सो दैट इट विल हेल्प टू क्लियर योर प्रोविजंस आल्सो। सो जब हम डीम्ड पब्लिक कंपनी की बात करते हैं ना, कंपनीज एक्ट 2013 में कहीं भी डेफिनेशन नहीं है, बट जब हम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन रीड करते हैं तो 2013 एक्ट में पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन के नीचे एक प्रोविजो ऐड कर दिया है। उस प्रोविजो में मेंशन किया है अ कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी कंसीडर एज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। सो अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो प्राइवेट कंपनी डीम्ड पब्लिक कंपनी कंसिडर की जाएगी। सो जनरली देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट में हमें कहीं प्रोविजन नहीं मिला कि डीम्ड पब्लिक कंपनी क्या होती है, बट अदर हैंड अगर हम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन का प्रोविजो देखते हैं तो वहां स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों डिस्कस करना? बिकॉज जब भी हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं या किसी कंपनी को कंसल्टेंसी देते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में होना चाहिए या सबसे पहली चीज जो हमें कंसिडर करनी चाहिए कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंपनी। स्टेटस मींस व्हाट इज द टाइप ऑफ कंपनी, बिकॉज अगर हम किसी को कंसल्टेंसी देते हैं किसी कंपनी को, वो उसी बेस पे दे पाएंगे कि उस कंपनी का टाइप क्या है, क्या वो ओपीसी है, क्या स्मॉल है, नॉन स्मॉल है, पब्लिक है या लिस्टेड है। हम ऑडिट करते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेबिलिटीज चेक करेंगे कि कंपनी का स्टेटस क्या है। सो नेक्स्ट टाइम इफ वी आर सीइंग कि कंपनी का नाम तो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उस पे सिर्फ प्राइवेट वाले ही कंसेप्ट एप्लीकेबल होंगे, ऐसा नहीं है। We have to check the shareholders of that company. अगर उस कंपनी में किसी पब्लिक कंपनी की मोर देन 50% होल्डिंग है तो वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। और एक डीम्ड पब्लिक कंपनी से पब्लिक कंपनी होने का मीनिंग क्या है? मतलब नॉर्मली मैं प्राइवेट कंपनी हूँ बट ड्यू टू की एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी से डीम्ड पब्लिक कंपनी हो गया, तो डीम्ड पब्लिक कंपनी होने से क्या डिफरेंस आ जाएगा? स्टेटस चेंज होने से डिफरेंस क्या आ जाएगा? As per Companies Act, if a private company considered as a deemed public company,
all the provision of a public company shall be applicable to that private company also. So वो सभी provision जो public पे लग रहे हैं वो private company पे भी applicable हो जाएंगे. For an example, एक छोटा सा example लेते हैं. Remuneration to director. Private company में remuneration to director का जो section है 197 वो private company पे applicable नहीं होता है. प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को जितना मर्जी रेम्यूनरेशन दे सकती है, कोई लिमिट नहीं है, कोई इशू नहीं है. बट यही जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो एज पर सेक्शन 197 ऑफ पब्लिक कंपनी कंपनीज एक्ट 197 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी में रेम्यूनरेशन देने पे एक लिमिट है. तो जब आपकी प्राइवेट कंपनी डीम्ड पब्लिक कंपनी बन गई तो उस पर सेक्शन 197 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वहां पे रेम्यूनरेशन की लिमिट हो जाएगी. So, deemed public companies बनने से क्या हुआ कि उसपे public companies के compliances भी applicable हो गए. ऐसे हमें पता है private companies को कुछ exemptions है companies act में. Approximately 30-40 exemptions है private companies को companies act में. उन exemptions का भी benefit नहीं मिलेगा अगर आपकी company deemed public company बन गई है. So we have to be very careful जब भी हम किसी company को कोई consultancy दे रहे हैं, opinion दे रहे हैं या audit कर रहे हैं. सबसे पहला जो हमें काम करना है, हमें कंपनी का स्टेटस चेक करना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कंपनी. और ये टाइप ऑफ कंपनी जस्ट हमें कंपनी का नाम रीड करके नहीं कंसीडर करना है, हमें और भी चेक्स एंड बैलेंसेस उस पे ट्राई करने हैं कि कंपनी का क्या स्टेटस है और कंपनी कौन से में फॉल करेगी. होप वी आर क्लियर टिल हियर. अगर किसी की कोई क्वेरी है डीम पब्लिक कंपनी या कुछ, और वन मोर थिंग, अगर किसी की कोई क्वेरीज हो ना तो वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कॉलम में मेंशन करें ताकि वो इजीली कंप्लीट हो जाए. बिकॉज चैट बॉक्स में हो सकता है कि क्वेरीज रह जाए, चैट बॉक्स को हम जनरली आंसर्स देने के लिए यूज कर ले तो ज्यादा बेटर होगा, और क्वेश्चंस रेज करने के लिए हम क्वेश्चन एंड आंसर्स में दे देते हैं. अब नेक्स्ट प्रोविजन, अब हम बात करते हैं जनरल मीटिंग की. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंसेप्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे एनुअल फाइलिंग से रिलेटेड, वो एनुअल जनरल मीटिंग. जैसे राजेश जी ने शुरू वेबिनार के शुरू में भी कहा था कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एनुअल जनरल मीटिंग जो लोगों को कंफ्यूजन आ रही है. इवन रेगुलर बेस पे मुझे भी मेंबर्स से, वेदर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ कॉर्पोरेट, रेगुलर बेस पे वी आर रिसीविंग द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एनुअल जनरल मीटिंग. तो हम सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग को ही डिस्कस करते हैं. सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एजीएम. जनरली एजीएम होल्ड करने का क्या टाइम पीरियड होता है? Six months from the end of the financial year. और एक condition और है, हमें उन दो conditions में से check करना पड़ता है कि हम AGM कब तक hold कर सकते हैं. What is the second condition को mention करेगा chat box में? 15 months from the last AGM. So these are the two conditions we have to see. One is a 6 month from the end of financial year or 15 months from the last AGM, whichever is earlier. तो हमारा जो जनरल मीटिंग का प्रोविजन है सेक्शन 96 का, वो यही प्रोविजन है. वो बोलता है हमें जो AGM करनी है 6 month from the end of financial year और 15 month from the last AGM, whichever is earlier. तो हमें दोनों चेक्स लगाने हैं कि दोनों में से क्या अर्लियर है, वो हमारी ड्यू डेट हो जाती है AGM होल्ड करने की. तो दिस ईयर वी नो कि सितंबर तक तो कोविड सिचुएशंस काफी हैवी चल रही थी इंडिया में भी, तो मिनिस्ट्री ने कुछ टाइम पीरियड एक्सटेंड किया एजीएम होल्ड करने के लिए. अब इसमें एक क्वेश्चन है, सो जो मिनिस्ट्री ने एक्सटेंशन दिया एजीएम होल्ड करने का, क्या सभी कंपनीज के लिए 31 दिसंबर हो गई थी उसके बाद एजीएम? मिनिस्ट्री ने जो एक्सटेंशन दिया उसके बाद सभी कंपनीज के लिए एजीएम की ड्यू डेट 31 दिसंबर हो गई थी? Three answers are no. But anyone in favor of yes? कि सभी companies को 31 December, because हम generally आजकल यही discuss करते हैं ना कि companies की AGM की date extend हो गई है 31 December तक. Still, अच्छा, everyone has mentioned कि नहीं 31 December तो नहीं हुआ है. So that's great कि we all are clear कि 31 December हर किसी company के लिए नहीं हुआ है. But अगर 31 दिसंबर नहीं हुआ तो हाउ टू कैलकुलेट? जैसे किसी ने मेंशन किया है लिंक टू द लास्ट एजीएम, मैक्सिमम गैप दो एजीएम के बीच कितना हो सकता था? 15 मंथ्स.
मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड कितना किया है 3 मंथ का, तो पहली चीज तो ये कि 31 दिसंबर सभी के लिए नहीं था। तो अगर 31 दिसंबर नहीं था, अभी हमने कैलकुलेट किया था, जब नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं 6 मंथ और 15 मंथ विच एवर इज अर्लियर, तो जो लेटेस्ट केस में जहां पे आरओसी ने एक्सटेंशन दिया, उस केस में हमारा क्या फॉर्मूला होना चाहिए एजीएम की डेट चेक करने का, कि हमारी ड्यू डेट क्या बनती है। बिकॉज सबसे मेन फंडा तो होता है पहला ड्यू डेट बनती क्या है, 15 मंथ एंड कोविड पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड। ओके, एनीवन एल्स कि अब लेटेस्ट प्रोविजन क्या होगा, जैसे अब ये 16 और 15 को हम ट्राई कर रहे थे कि विच एवर इज अर्लियर, अब हमारा क्या फॉर्मूला क्या होना चाहिए ड्यू डेट कैलकुलेट करने का, बिकॉज अब आप सब लोग ऑडिट से तो फ्री हो गए हैं, अब नेक्स्ट काम यही होगा एनुअल फाइलिंग करना। तो इसीलिए आज हमने छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अब जब एनुअल फाइलिंग करना स्टार्ट करें तो इनमें से किसी भी प्रोविजन में हमें इश्यू नहीं आए। समवन हैज मेंशन 9 मंथ एंड 18 मंथ, कोई और व्यू? बिकॉज बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, आई हैव सीन कि 15 महीने से ज्यादा का तो गैप हो ही नहीं सकता, तो समवन वाज सेइंग कि 9 मंथ और 15 मंथ, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 9 मंथ और 18 मंथ और 9 मंथ और 15 मंथ? One more person has mentioned 15 month of difference between two AGM, maximum 15 month. Which statement is correct? 9 month or 18 month or 9 month or 15 month? Like two answer have received 15 month. Third is 15 month. So if 15 month ka criteria lete hain, एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट ईयर आपकी कंपनी की एजीएम हो गई थी 15 सितंबर को, तो इस साल तो फिर 14 दिसंबर तक हो जानी चाहिए 15 महीने या 9 मंथ। बट जो आरओसी का सर्कुलर आया था ना, आरओसी ने क्या किया था, आरओसी ने ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया कि मैं 3 मंथ 6 मंथ में ऐड कर रहा हूँ या 3 मंथ 15 मंथ में ऐड कर रहा हूँ। आरओसी ने अपने सर्कुलर में सिंपली मेंशन किया, जो भी आपकी ड्यू डेट बनती है उसमें 3 मंथ का एक्सटेंशन। ड्यू डेट हमारी क्या होती है, 9 मंथ और 15 मंथ, विच एवर इज अर्लियर। अब 3 मंथ का एक्सटेंशन भी हम दोनों तरफ देखेंगे ना, सॉरी 6 मंथ और 15 मंथ जो होती है, तो अब हम क्या देखेंगे, 6 में भी 3 ऐड कर देते हैं, 15 में भी 3 ऐड कर देते हैं। तो इस साल जो हम एजीएम देखेंगे वो हम देखेंगे 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 18 मंथ फ्रॉम द प्रीवियस एजीएम, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो पहले होगा वो हमारी ड्यू डेट बच जाएगी। तो 9 मंथ और 15 मंथ का क्राइटेरिया नहीं है, जो 3 मंथ 6 के साथ ऐड हुए हैं वो 3 15 के साथ भी ऐड हुए हैं। तो जो हमें प्रोविजन देखना है वो देखना है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 18 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम, इसके बेस पे हमें अपनी ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, इतना भी मत याद रखिए, अगर लास्ट ईयर 2019 में एजीएम 1 जुलाई या उसके बाद हुई थी तो इस साल आपकी 31 दिसंबर बन जाएगी। लास्ट ईयर अगर एजीएम 1 जुलाई से पहले हुई थी तो आपको 18 महीने ऐड करके देखना पड़ेगा आपकी डेट क्या आती है। दिस इज अ वेरी सिंपल थंब रूल, लास्ट ईयर 1 जुलाई के बाद हुई है तो आपकी 31 दिसंबर है, बिना टेंशन के कोई इश्यू नहीं है। लास्ट ईयर अगर 1 जुलाई से पहले हुई है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 18 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम, दिस इज द प्रोविजन। तो मिनिस्ट्री ने अब जो रिलैक्सेशन दी थी, मैक्सिमम जो हमारी डेट एक्सटेंड हो सकती थी वो हो सकती थी 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर ऑलरेडी जा चुकी है, 31 दिसंबर के बाद मिनिस्ट्री ने कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया एजीएम होल्ड करने के लिए। अब पहला क्वेश्चन, किसी रीजन से, सिंपल रीजन की फाइनेंशियल रेडी नहीं हुए थे, कंपनी अपनी 31 दिसंबर तक एजीएम नहीं कर पाई, तो क्या कंपनी आरओसी को अप्लाई कर सकती है वही जो अपना पुराना फॉर्मूला होता था जीएनएल 1 फाइल करके, एक एप्लीकेशन फाइल करके एक्सटेंशन के लिए। 3 महीने की तो जनरल एक्सटेंशन थी, अब हम चाहते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन मिल जाए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आरओसी को हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म जीएनएल 1 फाइल करके कि हमारी एजीएम का डेट एक्सटेंड करने के लिए? आई वांट आंसर फ्रॉम मोर मेंबर्स ऑन दिस क्वेश्चन,
now we are having 200 members join this webinar approximately. So, क्या ROC को हम extension के लिए apply कर सकते हैं? Because नहीं बनी थी balance sheet because of any reason. बहुत सारे ऐसे reason थे, data नहीं आया या कहीं पे COVID situation अभी भी कुछ states में काफी heavy चल रही है. Directors की availability नहीं थी. तो क्या 31 दिसंबर तक अगर हमने AGM नहीं की तो हम ROC में GNL 1 फाइल करके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? 6 आंसर्स तो मेरे पास आए हैं, यस. एनीवन एल्स? अगर हम 200 लोग हैं तो 10 आंसर्स तो बनते हैं. क्या हम एक्सटेंशन के लिए और अप्लाई कर सकते हैं एमनेस्टी को? यस, ऑलमोस्ट आंसर आर यस कि हाँ हम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. By but approval may not be given as a 3-month power with ROC is already exercised. Okay. तो apply करने के लिए अब हम आते हैं section पे. Section 96 of Companies Act. Section 96 subsection 1 clause 3 बोलता है, proviso 3 बोलता है, ROC can extend AGM up to 3 months. अभी जो हमारा previous extension हुआ था वो ministry ने तो नहीं किया. Ministry ने कोई circular notification नहीं निकाला था extension के लिए. इवन सभी ROCs ने इशू किया था अपना अपना सर्कुलर कि हम 3 मंथ का एक्सटेंशन दे रहे हैं. तो इसका मतलब ROC तो अपना 3 मंथ का एक्सटेंशन का पावर ऑलरेडी यूज कर चुका है. जो 3 मंथ का एक्सटेंशन का पावर था ROC अपना ऑलरेडी यूज कर चुका है. जब ROC ऑलरेडी यूज कर चुका है तो ROC के पास कोई पावर नहीं है आज की डेट में एक्सटेंशन और देने की. अगर 31 दिसंबर तक AGM नहीं की तो ROC उसको और एक्सटेंड नहीं कर सकता है. ROC के पास पावर नहीं है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस पॉइंट पे किसी का कोई भी क्वेश्चन हो ना प्लीज मेंशन करें. बिकॉज वी कैन सी सभी ने इसका आंसर यस मेंशन किया है तो हम सभी के माइंड में एक पॉइंट है कि हम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट मेरा आंसर इससे टोटली अपोजिट है कि एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो वी कैन से कि सभी प्रोफेशनल ने यस लिखा है तो इस पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से क्लियर करें. अगर किसी का इस पॉइंट पर कोई क्वेरी है तो प्लीज मेंशन करो क्योंकि ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है. अब हमें एनुअल फाइलिंग शुरू करनी है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये है कि ROC अब AGM के लिए एक्सटेंशन नहीं दे सकता है. ROC के पास कोई पावर नहीं है. अगर ROC के पास पावर नहीं है तो क्या किसी और अथॉरिटी से हम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? किसी और अथॉरिटी के पास पावर है एक्सटेंशन की? Like Companies Act में हमें पता है ROC से ऊपर RD होता है, RD से ऊपर NCLT है, NCLT से ऊपर MCA है. तो किसी और को अप्रूवल ले सकते हैं? One person has mentioned central government, other person has mentioned the MCA can give. Any other answer? कि अगर ROC के पास तो नहीं है. I am clearing this. ये मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ROC के पास कोई पावर नहीं है AGM फर्दर एक्सटेंड करने की. तो Companies Act में कोई और अथॉरिटी? Someone has mentioned central government. I think central government का यहाँ मतलब MCA है. क्योंकि Companies Act में हम जब भी central government की बात करते हैं तो हम MCA की बात करते हैं. So Companies Act में जब भी हम central government की बात करते हैं तो MCA की बात करते हैं. तो हम यहाँ बोल रहे हैं MCA के पास पावर है. ऐसा नहीं कर सकते जैसे RD के पास पावर नहीं, ROC के पास पावर नहीं है तो हम RD को एप्लीकेशन लगा दे, सुपीरियर अथॉरिटी है, या हम NCLT में एप्लीकेशन लगा लें एक्सटेंशन के लिए. So, जब हम बात करते हैं ना एनुअल जनरल मीटिंग की सेक्शन 96 की, सेक्शन 96 में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के पास पावर है ROC के पास, वो भी 3 मंथ की. उससे ज्यादा ROC के पास भी नहीं है. तो ना ही ROC के पास पावर है, ना ही RD के पास, ना ही NCLT के पास. MCA के पास भी कोई पावर नहीं है. अगर उनको बियॉन्ड द एक्ट कुछ जाना है तो उनको पार्लियामेंट्री अप्रूवल से प्रेसिडेंट अप्रूवल लेके ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए के पास भी कोई पावर नहीं है एजीएम एक्सटेंड करने की. उनके पास एक ही पावर है कि वो प्रेसिडेंट की अगर अप्रूवल ले आते हैं और ऑर्डिनेंस ले आते हैं. बट एक्ट में उनके पास कोई पावर नहीं है कि आज की डेट में मैं बोलूं कि एक्ट में पावर है और वो लोग एक्सटेंशन दे सकते हैं तो नहीं दे सकते हैं. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस थिंग बिकॉज हम देख सकते हैं सभी का आंसर यहाँ पे यस है जबकि प्रैक्टिकल आंसर इस क्वेश्चन का नो ही होगा. 31 दिसंबर तक एजीएम नहीं की तो उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं है और एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई भी नहीं कर सकते.
तो कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है। अगर 31 दिसंबर तक अब एजीएम नहीं की तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर 31 दिसंबर तक अगर आपने एजीएम नहीं की है और उसके बाद अगर आप एजीएम करते हो तो ये सेक्शन 96 का डिफॉल्ट माना जाएगा। और जैसे ही ये सेक्शन 96 का डिफॉल्ट माना जाएगा ना, इट विल कंसीडर एज अ नॉन कंप्लायंस। और उस नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी क्या है? ऑफिसर सेक्शन 99 में लिखा है कंपनी पे प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मतलब प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी और दो डायरेक्टर, मिनिमम 1 लाख तीनों पे, 1 लाख तीनों पे प्लस 5,000 पर डे जितना डिले हम करते हैं। तो दिस इज द मिनिमम पेनल्टी फॉर द नॉन होल्डिंग ऑफ एजीएम ऑन टाइम। और 31 दिसंबर के बाद कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे किसी ने मेंशन किया है कि आरओसी एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दे, तो आरओसी ब्लैंकेट अप्रूवल भी सर सिर्फ 3 मंथ तक दे सकता था। वो 3 मंथ की ऑलरेडी दे चुका है, वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर चुका है, अब वो चाहे तो भी उसके पास पावर ही नहीं है। अगर एजीएम एक्सटेंड करने की पावर है तो वो सिर्फ है प्रेसिडेंट के पास, और वो है ऑर्डिनेंस पास करके, तो वो जो ऑलरेडी पास हुआ नहीं है, तो वो होना होता तो पहले ही होता, अब ऑर्डिनेंस तो नहीं पास हो सकता है। तो एजीएम की ड्यू डेट तो 31 दिसंबर से आगे इस साल नहीं बढ़ सकती है। अब एजीएम की ड्यू डेट नहीं बढ़ी तो इसका एक इंपैक्ट डायरेक्टली आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, बिकॉज वी आर अवेयर एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट होते हैं, अप्रूव होते हैं बाय शेयर होल्डर। तो इसका सिंपल मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम से पहले ही साइन होने चाहिए। और अगर आपकी एजीएम आप 31 दिसंबर तक ही दिखाते हैं तो आपकी डेफिनेटली साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट भी 31 दिसंबर या उससे पहले ही होनी चाहिए। ऐसा केस नहीं हो सकता कि एजीएम हमने 31 की दिखाई और बैलेंस शीट बाद में साइन हो रही है। इस चीज का हमें प्रॉपर केयरफुली चलना है कि बैलेंस शीट एजीएम डेट के बाद साइन नहीं हो सकती है, राइट? अब किसी ने क्वेश्चन लिखा है, मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था कि अगर हम 31 दिसंबर को एजीएम होल्ड करते हैं और किसी भी रीजन से, सिर्फ फाइनेंशियल्स का रीजन नहीं, किसी भी रीजन से हम उसको एडजर्न कर लेते हैं, और उसके बाद जो एक्ट बोलता है कि नेक्स्ट सेम वीक में सेम डे पे सेम टाइम पे हम हफ्ते बाद करते हैं, इज इट ओके? क्या अब ये कंप्लायंस माना जाएगा? यस, हमने 31 दिसंबर को एजीएम की, उसको एडजॉर्न कर लिया, एडजॉर्न करके नेक्स्ट वीक में किया। रजेश जी ने बोला यस, बाकी आंसर्स, बाकी एनी अदर मेंबर्स, क्या ये कंप्लायंस ऑफ लॉ माना जाएगा? कुछ लिख रहे हो, कुछ यस, कुछ नो, एनी अदर आंसर्स? क्या ये कंप्लायंस ऑफ लॉ माना जाएगा? हमने एडजॉर्न किया और उसके बाद कर लिया, गाइस यस या नो ही लिखना हमें। इकतीस दिसंबर को एजीएम की, एजीएम 31 दिसंबर को नहीं कर पाए प्रॉपरली, उसके बाद करते हैं। किसी ने लिखा है एडजर्न एजीएम विल ट्रीटेड एज अ ओरिजिनल एजीएम, अगर ओरिजिनल मानेंगे तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। किसी और का कोई व्यू? बिकॉज हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, अब 31 दिसंबर के लिए सभी को देखना पड़ेगा कि कैसे कंप्लायंस करते हैं। तो आज यहीं पे इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि कंप्लायंसेस करने में इजी रहेगा, कंप्लायंस प्लान करने में भी इजी रहेगा। सो जैसे कुछ ने लिखा यस, कुछ ने लिखा नो, अगर अब हम लीगली प्रोविजंस की बात करते हैं, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस की बात करते हैं, तो कंपनीज एक्ट बोलता है अर्जेंट एजीएम भी ड्यू डेट से पहले हो जानी चाहिए। अगर एडजन एजीएम ड्यू डेट के बाद होती है तो वो भी नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। ओके, आप करो 15 दिसंबर को एजीएम करो, एडजन करो 22 को करो, फिर एडजन करो, लेकिन 31 से पहले कंप्लीट कर लो जो ड्यू डेट है। अगर ड्यू डेट के बाद एडजन मीटिंग होती है तो वो भी नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ ही माना जाएगा, दैट विल कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। सो बी क्लियर, पहली चीज 31 दिसंबर मैक्सिमम डेट थी इस साल एजीएम करने की, अगर हम विदाउट नॉन कंप्लायंस करते हैं तो। दूसरी चीज, 31 दिसंबर के पास, बाकी बाद आरओसी के पास भी पावर नहीं है,
आप GNL1 फाइल कर लो, एप्लीकेशन फाइल कर लो, फाइल करना हमारा राइट है, बट ROC के पास जब पावर ही नहीं है जिस अथॉरिटी के पास, वो रिजेक्ट ही करेगी, क्योंकि अप्रूवल देने के लिए पहले उनके पास भी पावर होनी चाहिए। तीसरी चीज, अगर हम ये सोचे कि 31 को दिखा के एडजर्न करके बाद में दिखाएंगे तो ये भी नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ ही माना जाएगा। तो हमें ये तीनों चीजें नहीं करनी है। अगर ये मान के चलिए 31 के बाद किया तो वो नॉन कंप्लायंस ही माना जाएगा और आप पेनल्टीज के लिए लाइबल हो। किसी ने मेंशन किया है, एन एक्सटेंशन ऑफ 31st दिसंबर वाज जनरल एक्सटेंशन टू ऑल ड्यू डेट्स टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस। द पावर ऑफ एक्सटेंशन फॉर 3 months इज स्पेसिफिक व्हिच इज अप्लाइड बाय स्पेसिफिक कंपनी हियर। द डेट 31 दिसंबर वाज नॉट अप्लाइड बाय स्पेसिफिक कंपनी, सो इन माय ओपिनियन द एक्सटेंशन वाज नॉट पावर यूज्ड बाय द ROC। मैम, एज यू हैव मेंशनड द क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग जैसे आपने बोला कि वो एक ROC की स्पेसिफिक पावर है, बट अभी ROC ने जनरल एक्सटेंशन दी थी। एक्ट में ऐसा कहीं नहीं है कि वो स्पेसिफिक पावर है या जनरल पावर है। एक्ट में सिर्फ मेंशन किया है कि ROC के पास 3 months का एक्सटेंशन देने की पावर है। वो 3 months स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, वो 3 months स्पेशल भी हो सकते हैं। आज तक हम वो 3 months स्पेशल पावर लेते हुए आए थे, स्पेसिफिक लेते हुए आए थे, बट इस बार सिचुएशन आती थी कि ROC ने ओपन एंडेडली सबको अप्रूवल दे दी थी। सो एज पर लो ROC के पास 31 दिसंबर के बाद कोई पावर नहीं है एक्सटेंशन देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी गिव शॉर्टर नोटिस लेस देन 21 डेज क्लियर नोटिस एंड हेल्ड मीटिंग ऑन 31st दिसंबर, व्हाट इज द मिनिमम गैप रिक्वायर्ड फॉर साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड होल्डिंग ऑफ AGM? सर, आई एम जस्ट कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। So, जैसे किसी ने मेंशन किया, इट मींस बिफोर अमेंडमेंट इवन एडजॉइंट मीटिंग मस्ट बी हेल्ड बिफोर 30th सितंबर। यस, अमेंडमेंट के पहले भी प्रोविजन यही था, जब हमारी ड्यू डेट 30th सितंबर होती थी उस केस में हमारी AGM 30th सितंबर से पहले एडजॉइंट भी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। अब ये क्वेश्चन आता है, जैसे हम किसी ने अभी ये क्वेश्चन पूछा, यही मेरा क्वेश्चन था एक पूछने का। AGM शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है, हमें पता है, कितने शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है, क्या कोई लिमिट है? This is my question from all. Minimum 7 days. किसी और का कोई आंसर? AGM minimum कितनी shorter पे हो सकती है? अब तो मैं चाहूंगा एटलीस्ट 200 में से 10 लोग तो आंसर करें, कितने shorter पे हम कर सकते हैं? 7 days, 5 days, 15 days, 1 day, 1 hour, या 21 days, या 23 days? Minimum कितने shorter पे AGM हो सकती है? 3 आंसर है 7 days, 1 है 5 days। एनी अदर व्यू? कैसा भी पूछा कि 48 आवर्स से पहले ऑन द सेम डे आ गया आंसर सर, मतलब हम ये मान सकते हैं, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमें कंसेंट मिल जाएगी, उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन है। तो ये मान के चलिए कि हमें कंसेंट तो शेयर होल्डर से मिल गई, 100% से मिल जाएगी। अब उसमें कितनी मिनिमम हो सकता है? समवन हैज मेंशन 3 days, Someone has mentioned even same day also. अगर 95% के लिए मिल जाती है तो as less as shareholder agree. So there are all the different answer are coming from all the members. On the same day itself, be more than 95% shareholder agree. Someone also mentioned 7 days. तो सभी के different answers हैं। मतलब yes, there is a scope कि we all have different interpretation of this provision. अब जब AGM के नोटिस की बात करते हैं, वो आता है सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट में। सेक्शन 101 बोलता है, कंपनीज कैन होल्ड देयर जनरल मीटिंग ऑन शॉर्टर नोटिस, AGM ऑन शॉर्टर नोटिस, इफ कंपनीज रिसीव अ कंसेंट ऑफ 95% ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कहीं भी नहीं लिखा कितना शॉर्टर। आज मैं बात करता हूं, प्राइवेट कंपनी में मेरे 2 ही शेयर होल्डर है, दोनों ने कंसेंट दे दिया, 100% अप्रूवल है मेरे पास, कहीं भी कितना शॉर्टर की बात नहीं की हुई। तो इवन मिनिमम गैप में 10 मिनट का भी बोलूं तो भी मीटिंग कर सकते हैं शॉर्टर पे। कि मतलब मैंने 31 तारीख को बैलेंस शीट अप्रूव की, उसी के जस्ट बाद मैंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग दिखा के फाइनेंशियल अप्रूव कर लिए। एग्जांपल ले लो ना, 2 डायरेक्टर है, वही दोनों शेयर होल्डर है, उन्होंने मीटिंग की बोर्ड मीटिंग, उसी बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल अप्रूव हुए, उसी बोर्ड मीटिंग में उन्होंने बोला 10 मिनट बाद AGM भी कर रहे हैं, वही दोनों डायरेक्ट शेयर होल्डर्स है, अप्रूवल मिल गई, कंसेंट मिल गई, तो उतने शॉर्टर नोटिस पे भी AGM कर सकते हैं। तो AGM के कंसेप्ट में या बोर्ड मीटिंग,
मतलब कंपनीज एक्ट की बात करूं तो दोनों में ऐसा नहीं है कि कितने शॉर्टर पे कर सकते, आप कितने भी शॉर्टर पे कर लो, अब 10 मिनट के गैप पे भी कर लो तो चलेगा, बट आपके पास जो कंसेंट है डेफिनेटली एक्ट जितनी कंसेंट बोलता है कि एक्ट बता बोलता है इतनी कंसेंट चाहिए, तो वो कंसेंट डेफिनेटली हमारे पास होनी चाहिए, बट हम एजीएम शॉर्टर पे होल्ड कर सकते हैं। तो एक जो ये क्वेश्चन था मेंबर्स का कि 31 दिसंबर तक, क्या 31 दिसंबर को बैलेंस शीट अप्रूव करा के एजीएम कर ले कंप्लायंस माना जाएगा? यस, अगर 31 दिसंबर को ही एजीएम हुई, 31 दिसंबर को बैलेंस शीट अप्रूव हुई तो भी ये प्रॉपर कंप्लायंस माना जाएगा, बट एजीएम 31 दिसंबर के बाद हुई, चाहे एक को भी हुई तो वो नॉन कंप्लायंस माना जाएगा, एक को भी हुई तो 1,00,000 कंपनी पे पेनल्टी और 1,00,000 डायरेक्टर पे तो मिनिमम लगेगी ही। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक्ट में अभी तक ना आरडी के पास या एनसीएलटी के पास मिनिमम पेनल्टी से नीचे जाने की पावर नहीं है। डिफॉल्ट तो हुआ मेरा एक दिन का, बट फिर भी आरडी के पास पावर नहीं है कि वो 1,00,000 से नीचे पेनल्टी लगा दे, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई थिंक अभी इस पॉइंट पे किसी का कोई क्वेश्चन अगर एजीएम पे नहीं होगा, हमने एजीएम की ड्यू डेट डिस्कस कर लिया है, एजीएम एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस कर लिया है, मिनिमम शॉर्टर नोटिस के। Okay, someone has mentioned how to get consent of 95% of more member in that case. अब देखिए, जहां मैं बात करता हूं कि मैं एक घंटे में ही AGM कर लूंगा, तो definitely वहां पे ये होगा कि closely held company है, सभी shareholder directors are the closely held family persons, या friend circle. तो वहां पे मैं क्या करूंगा, email के through भी, अगर सभी directors और shareholders present नहीं है, email के through notice भेजो, consent receive कर लो, this is a way. सभी पर्सन वहीं प्रेजेंट है तो उनकी हैंड रिसीविंग से आप कंसेंट ले सकते हैं। मतलब शॉर्टर नोटिस एक्ट ये नहीं रोकता कि आप कितना शॉर्टर पे करो, आप 10 मिनट पे करो चाहे आप 10 दिन पे करो, इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द कंपनी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है, कंपनी कितनी जल्दी उन शेयर होल्डर से कंसेंट ले सकती है। अब तो ऐसा भी एक सिचुएशन आ सकती है कि कोई दूसरी कंपनी आपकी शेयर होल्डर और फॉरन कंपनी है, उनका अपना एक वे है, उनको 5 से 7 दिन लगते हैं अप्रूवल देने में, तो डेफिनेटली आप शॉर्टर पे इतने पे नहीं कर पाओगे। तो मेन चीज है कि एक्ट कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। अब आपके शेयर होल्डर कौन है, आपके शेयर होल्डर कैसे कंसेंट दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, आप कंसेंट ले पाते हो नहीं ले पाते हो, दैट इज द हेडेक ऑफ कंपनी, बट दैट्स नॉट द इशू ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट इज कंप्लीटली ओके विद दैट। ओके, अब किसी का एक क्वेश्चन आया है, इन व्यू ऑफ दिस कोविड सिचुएशन कैन एजीएम बी वर्चुअल ऑन जूम? पहली चीज, कंपनीज एक्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनरल मीटिंग करने का कोई कंसेप्ट नहीं था, बट इस कोविड सिचुएशन के कारण मिनिस्ट्री ने एक रिलैक्सेशन दिया था कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कोई भी कंपनी अगर अपनी एजीएम करती है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकती है। Zoom is also a mode of the video conferencing, so this is completely okay. But अगर आप video conferencing से करते हो तो आपका recording होनी चाहिए, proper आपने way follow किया होना चाहिए जो circular में लिखा हुआ है। Ministry ने जो exemption circular दिया था, जिसमें लिखा था कि general meeting video conferencing से हो सकती है, तो उसमें एक process mention किया था। वो actually if I remember अप्रैल या मई में हमने एक webinar किया था, उसमें हमने discuss भी किया था कि क्या प्रोसेस है जनरल मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करने का। अगर कंपनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जनरल मीटिंग करनी है तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बट उसमें भी अब एक क्वेश्चन है, वो रिलैक्सेशन थी 31 दिसंबर तक, अब आपकी कंपनी ने 31 दिसंबर तक से एजीएम होल्ड की नहीं है, अब आपकी कंपनी 31 दिसंबर के बाद एजीएम होल्ड करती है, फॉर एग्जाम्पल कल एजीएम होल्ड करनी है 12 जनवरी को, तो आज की डेट में आपके पास कोई वे आउट नहीं है एजीएम को वर्चुअल करने का। आज की डेट में तो सिर्फ फिजिकल एजीएम ही अलाउड है, इलेक्ट्रॉनिक एजीएम आज की डेट में अलाउड नहीं है। ये रिलैक्सेशन सिर्फ 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के लिए मिली थी, उसके बाद या उसके पहले कोई इसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। और अब तो नॉन कंप्लायंस होगी सर एजीएम? हाँ, नॉन कंप्लायंस भी हो गई, नॉन कंप्लायंस के बाद भी हो सकता है ना, ऐसी सिचुएशन हो के हम फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं तो हम सोचेंगे चलो वीडियो से कर लेते हैं, तो वो अलाउड नहीं है आज की डेट में, तो वीडियो ऑप्शन ही अलाउड नहीं है, वो 31 दिसंबर तक अलाउड था। पर एक क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे आया है, हाँ जी, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू अटेंड द एजीएम बाय स्टैच्यूटरी ऑडिटर कंपलसरीली? हाँ, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें लॉ की अगर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं ना, लॉ बोलता है कि ऑडिटर को मैंडेटरी है प्रेजेंट होना, बट
ऑडिटर कैन अप्लाई फॉर द एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग. तो उसके लिए ऑडिटर को कंपनी को एक एब्सेंट लेटर या कुछ देना पड़ेगा और कंपनी उसको एक्सेप्ट कर ले. प्रैक्टिकल प्रोसेस ये है. अगर हम बोलते हैं कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, कंपनी ने एग्जम्प्ट नहीं किया, तो ऑडिटर को प्रेजेंट होना पड़ेगा. उसमें एक ये चीज है कि ऐसा लिखा एक्ट में ऑडिटर नहीं प्रेजेंट होता तो उस ऑडिटर का कोई पार्टनर या कोई कलीग जो भी जो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड है वो भी अटेंड कर सकता है. बट हम देखते हैं इंडिया में 99% प्राइवेट कंपनी में क्या हम एग्जाम्प्ट दिखाते हैं ऑडिटर को और वो लेटर एक्सचेंज कर लेते हैं कि ऑडिटर ने अपना एब्सेंट ले लिया है और कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है. तो ऑडिटर कैन अप्लाई फॉर द एब्सेंट फ्रॉम द जनरल मीटिंग. सर यदि वो एग्जम्प्शन लेटर भी ना दे या दे और कंपनी एक्सेप्ट ना करे, उस केस में ऑडिटर को या उसके किसी कलीग को जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रेजेंट होना है मीटिंग में. नहीं हुआ सर, देन ये मान जाएगा ऑडिटर के पार्ट पे डिफॉल्ट है सेक्शन का. उस पर कोई पेनल्टी? अब पेनल्टी तो सर हर डिफॉल्ट की होती है, हर सेक्शन की कुछ ना कुछ होती है. तो वो सेक्शन के पर्टिकुलर क्या है वो देखनी पड़ेगी. ठीक है सर, ठीक है. तो वो चीज है. अब इसमें एक क्वेश्चन है कि अभी कोविड सिचुएशन चल रही थी थ्रू आउट द कंट्री, हमें पता है 31 दिसंबर तक भी ऐसा बहुत सा इश्यूज थे कि इंटरनेशनल ट्रैवल इतना फ्रिक्वेंट नहीं था, अभी भी अलाउड नहीं है इंटरनेशनल ट्रैवल. तो ऐसी सिचुएशन में मेरी प्राइवेट कंपनी में दो शेयर होल्डर है, एक इंडिया में है दूसरा फॉरेन में है. मैं 31 दिसंबर के पहले की सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ, एक इंडिया में एक फॉरेन में है. तो क्या यार चलो पहले लेते हैं दोनों डायरेक्टर दोनों शेयर होल्डर फॉरेन में है, क्या आउटसाइड इंडिया एजीएम हो सकती है? क्या इंडिया के बाहर एजीएम हो सकती है? दोनों शेयर होल्डर वही है, इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? बहुत ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अलाउड थी. आज की सिचुएशन ले लेते हैं, मेरी एजीएम नहीं हुई थी 31 दिसंबर तक, मैं अब करना चाहता हूँ, बट मेरे दोनों शेयर होल्डर आउटसाइड इंडिया है, क्या इंडिया के बाहर एजीएम हो सकती है? अगर दोनों शेयर होल्डर 100% शेयर होल्डर इंडिया से बाहर है, one is no, one is yes. Guys, we require more answers so we can say we all are participating in this webinar. आज की डेट में दोनों शेयर होल्डर या 100% शेयर होल्डर इंडिया से बाहर है तो डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रेवल करके इंडिया तो नहीं आएंगे. तो क्या इंडिया से बाहर एजीएम हो सकती है? चार आंसर आए हैं, दो नो है, दो यस है, मेजोरिटी नहीं बन पा रही है, और आंसर चाहिए. Now we are in majority, 4 yes, 2 no. क्या इंडिया से बाहर एजीएम हो सकती है? बहुत सारी सिचुएशन अभी आप फेस करेंगे. That is a good answer. Someone has mentioned don't know. तो क्या इंडिया से बाहर एजीएम हो सकती है? नहीं, बिकॉज अभी अब आप जब एनुअल फाइलिंग करना स्टार्ट करेंगे ना, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी कि शेयर होल्डर्स तो इंडिया के बाहर थे, कोविड सिचुएशन थी, तो एजीएम किस प्लेस पे दिखानी है, किस प्लेस को एजीएम मानना है? तो क्या एजीएम इंडिया से बाहर हो जाए? अब कुछ ने लिखा है यस, कुछ ने लिखा है नो, इवन समवन हैज मेंशन सब्जेक्ट टू स्पेशल एप्लीकेशन फॉर एग्जम्पशन. अब स्पेशल एप्लीकेशन फॉर एग्जम्पशन, ओके, अब हम बात करते हैं एक्ट की. पहली चीज, नो एजीएम शुड बी हेल्ड एट अ प्लेस वेयर रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड. ओके, पहली चीज, देयर इज नो कंसेप्ट फॉर द स्पेशल एप्लीकेशन फॉर एग्जम्पशन. स्पेशल एप्लीकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है एक्ट में. एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हम स्पेशली एप्लीकेशन लगा के और इसको अटेंड कर आउट ऑफ इंडिया कर ले, तो ऐसा प्रोविजन नहीं है. दूसरी चीज, एज पर कंपनीज एक्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन द स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, सिटी टाउन विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड. तो एजीएम इन एनी सिचुएशन कैन नॉट बी हेल्ड आउटसाइड इंडिया. किसी भी सिचुएशन में एजीएम इंडिया से बाहर नहीं हो सकती है. कोई भी सिचुएशन हो आपकी, कोई भी सिचुएशन हो कंपनी की, चाहे कोविड सिचुएशन है या कुछ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब तक अलाउड थी अलग बात है, अदरवाइज एजीएम इंडिया से बाहर अलाउड नहीं है. इंडिया में ही, इवन इंडिया भी क्या, मैं तो बोलूंगा सिटी टाउन विलेज जहां रजिस्टर ऑफिस कंपनी का सिचुएटेड है सिर्फ वही हो सकती है, उसके अलावा एजीएम कंपनी की नहीं हो सकती. अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, दो शेयर होल्डर है, एक इंडिया में है एक फॉरेन में है. जो फॉरेन शेयर होल्डर है वो अपने बिहाफ पे किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर देता है इंडिया से टू अटेंड दैट जनरल मीटिंग.
तो क्या वो प्रॉक्सी अटेंड कर ले, इट इज द प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ लॉ? बिकॉज अभी हमने बोला इंडिया से बाहर नहीं कर सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना नहीं चाहते, या टाइम पीरियड निकल गया है। अब एक शेयर होल्डर इंडिया में या दूसरा बाहर है, या एक मुंबई बैठा है, एक दिल्ली बैठा है, ट्रेवल नहीं करना चाहते ड्यू टू कोविड सेफ्टी रीजंस। तो एक शेयर होल्डर जहां है सिटी टाउन विलेज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, दूसरे ने अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, अब वो प्रॉक्सी जनरल मीटिंग अटेंड कर रहा है, सो दो पर्सन हो गए, तो वेदर इट इज अ प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ लॉ? चार पर्सन, पांच लोगों ने आंसर दिया है कि यस। एनी अदर व्यूज? एक दो तीन चार पांच छह, छह लोगों का आंसर आया यस। तो क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन इंडिया में है, एक पर्सन बाहर है, जो बाहर पर्सन है उसने इंडिया वाले में एक पर्सन को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट किया और वो प्रॉक्सी अटेंड कर रहा है एजीएम, तो वेदर इट इज अ प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ लॉ? एक दो तीन चार पांच छह, सेवन आंसर इज यस। आई थिंक थ्री फोर मोर आंसर्स, थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए सभी का। प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड कर रहा है, इट इज अ प्रॉपर कंप्लायंस, प्रॉक्सी इज परमिटेड। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस, 10 पर्सन हैज मेंशनड। ओके, अब 10 पर्सन हैज मेंशनड यस। अब एक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, क्या प्रॉक्सी कोरम में काउंट होता है? वन आंसर इज नो, टू इज नो। Any other view? क्या प्रॉक्सी कोरम में काउंट होता है? No. Again I'm repeating, प्रॉक्सी को कोरम में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, can speak. Somebody has mentioned but can speak, can't speak. Okay. Yes, yes, yes. Proxy is equal to shareholder. Okay. Three person. One, two, three, four. Five has mentioned no. Three has mentioned yes. वन मोर मिनट, क्या प्रॉक्सी कोरम में काउंट होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस साल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस साल ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हम लोग फेस करेंगे जहां एक डर शेयर होल्डर बाहर है, एक इंडिया में है, या इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में है और ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। सो दोनों क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे तो सभी ने यस मेंशन आंसर मेंशन किया था कि प्रॉक्सी अगर अटेंड करता तो प्रॉपर कंप्लायंस है। दूसरे क्वेश्चन में कुछ ने मेंशन किया कि यस प्रॉक्सी काउंट होगा कोरम में, कुछ ने मेंशन किया नहीं। अब हम बात करते हैं एक्ट की। ये तो थे हमारे व्यूज, अब एक्ट का व्यू क्या है? एक्ट में जब हम कोरम का सेक्शन रीड करते हैं ना, कोरम के सेक्शन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है प्रॉक्सी शैल नॉट बी काउंट फॉर कोरम। पहली चीज, प्रॉक्सी शैल नॉट बी काउंट फॉर कोरम स्पेसिफिकली मेंशन किया है, इसमें कहीं इंटरप्रिटेशन का स्कोप ही नहीं है। They have specifically mentioned that proxy shall not be count for quorum. अब हम पुराने क्वेश्चन पे आते हैं। दो शेयर होल्डर थे, एक इंडिया में एक फॉरेन में। फॉरेन शेयर होल्डर के बिहाफ पे प्रॉक्सी ने अगर अटेंड किया और इंडिया शेयर होल्डर, दो पर्सन ने अटेंड किया, इंडियन शेयर होल्डर ने और फॉरेन के बिहाफ पे प्रॉक्सी ने, कोरम तो पूरी नहीं हुई क्योंकि प्रॉक्सी तो कोरम में काउंट ही नहीं होगा, तो इट विल बी कंसिडर एज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। ये एजीएम वैलिड नहीं मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस प्रोविजन कि प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होता। अगर सिचुएशन ये होती ना, तीन शेयर होल्डर है, दो पर्सनली प्रेजेंट है, तीसरे के बिहाफ पे प्रॉक्सी है, कोई इशू नहीं है, कोरम तो दोनों पूरी कर दी ना। बट इस सिचुएशन में जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, उस सिचुएशन में दो पर्सन प्रॉक्सी, दो पर्सन में से एक प्रॉक्सी है, एक शेयर होल्डर है, जब दोनों पर्सन को कोरम नहीं मान सकते, तो इट इज अ नॉट अ प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ लॉ। तो ऐसी सिचुएशन में वी कैन से इट इज अ इनवैलिड एजीएम, ये प्रॉपरली वैलिड एजीएम नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन इस सिचुएशन में, कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है? एक क्वेश्चन आता है, अब ऐसी सिचुएशन में करें क्या, अब एजीएम कैसे होल्ड करें ऐसी सिचुएशन में?
तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई वे आउट नहीं है, एक ही वे आउट है, या तो एक दो शेयर ट्रांसफर करके किसी इंडियन पर्सन को और शेयर होल्डर बना लो और उससे कॉलम पूरी कर लो. जो हमारा अभी क्वेश्चन है डेफिनेटली इस क्वेश्चन के लिए प्रॉक्सी काउंट नहीं होगा. तो आपके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है और रिकॉर्डिंग करना मैंडेटरी था. So we have to be very careful on this point. किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स या क्वेश्चन आंसर बॉक्स कि इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है. सो एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकता अब बिकॉज आरओसी के पास कोई पावर नहीं है अंटिल अनलेस ऑर्डिनेंस नहीं पास होता. आप स्पेसिफिकली जाके आरओसी से कोई अप्रूवल लेना चाहते हैं जीएनएल वन फाइल करके तो भी आरओसी नहीं दे सकता. अगर आप जनरल मीटिंग करते हो 31 दिसंबर तक बट एडजॉइंट जनरल मीटिंग करते हो 31 दिसंबर के बाद तो ये भी नॉन कंप्लायंस माना जाएगा. आपके दो शेयर होल्डर में से एक फिजिकली अटेंड कर रहा है मतलब एक पर्सनली अटेंड कर रहा है दूसरा प्रॉक्सी अटेंड कर रहा है तो ये एक और भी वैलिड एक जनरल मीटिंग नहीं मानी जाएगी क्योंकि तो दोनों पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए एटलीस्ट कोरम प्रेजेंट होनी चाहिए. So these are the complete provision relating to the annual general meeting. Hope हमारा अभी तक का session आज एक useful session है because ये एक बहुत crucial period है जिस time हमें annual filing करनी है और उस annual filing करने के लिए सबसे important चीज होती है हमारी annual general meeting. तो हमें ये plan करना annual general meeting के related चीजें plan करनी बहुत important है. अब संबंध ने मेंशन की नो कंपनीज नॉर्मली कंप्लाइंग 100% तो कैसे चेक करें 100% कंप्लाइंस किया है या नहीं किया. सर एज अ प्रोफेशनल आई विल सॉरी फॉर सेइंग दिस बट आई विल से हम ये नहीं बोल सकते कि एज अ प्रोफेशनल की कंपनीज कंप्लाइंस नहीं करती हम कैसे चेक करें. दिस इज द ड्यूटी दिस इज द वर्क ऑफ अस कि वी हैव टू चेक ऑल द कंप्लायंसेस एंड वी हैव टू गो फॉर द कंप्लायंसेस. अगर हम ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं कि आरओसी को तो नहीं पता चलेगा कंप्लायंस किया है या नहीं किया है और हम भी जनरल मीटिंग हम भी बोर्ड फाइनेंशियल्स अप्रूव कर देते हैं तो डेफिनेटली इट इज अ नॉन कंप्लायंस बिकॉज जब तक पूरा कंप्लायंस नहीं होगा जब तक सिचुएशन पूरी अगर हम नहीं एनालाइज करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन से कि कंप्लायंस नहीं हुआ है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा फर्म कंपनी कंप्लायंस पूरा करती है. अगर ऐसा बोलेंगे तो हम प्रोफेशनल की जरूरत ही खत्म हो जाएगी. वी आर हेयर कि हम कंपनी कंप्लायंस पूरा कर पाए. Why we are discussing these topics today? ताकि किसी का कोई डिफॉल्ट नहीं हो हमारे किसी क्लाइंट का कोई डिफॉल्ट नहीं हो. Because reason क्या है? Penalty सिर्फ companies पे नहीं लगती है. Auditors पे भी बहुत penalties होती है. अब हम लोग जब audit करते हैं चाहे वो statutory audit हो या secretarial audit हो हम हर जगह इतनी जगह mention करते हैं कि company ने सभी compliances पूरे की हैं companies act के compliance पूरे की हैं. तो अगर नहीं किए और हमने नहीं check किए तो I must say मिनिस्ट्री को कॉर्पोरेट से ज्यादा प्रोफेशनल से प्यारा है. पहला लव लेटर प्रोफेशनल को जाता है दूसरा कॉर्पोरेट को जाता है. तो पहले पेनल्टी प्रोफेशनल्स पे ही लगती है दूसरी पेनल्टी कॉर्पोरेट्स पे जाकर लगती है. इवन इसी पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. हम लोग बहुत सारे फॉर्म सर्टिफाई करते हैं कंपनीज एक्ट में. हर फॉर्म के नीचे ना दो लाइने लिखी होती है हम कभी रीड नहीं करते जस्ट उस पर टिक मार्क कर देते हैं. उसमें लिखा आता है ऑल द कंप्लायंसेस ऑफ द एक्ट हैज बीन कंप्लायंट विद एंड इफ देयर विल बी एनी डिफॉल्ट then professional shall be liable under section 447 and 448 of the Companies Act. बहुत बहुत बड़े-बड़े words में लिखा होता है हर form के नीचे कि we are liable for section 447 and 448. 447 को ना ministry वाले कोई AK-47 से कम नहीं मानते हैं. 447 is like a AK-47 इतनी penalties लाया 447 में और not only under the Companies Act 447 professional ethics पे भी question करता है.
447 बोलता है मिनिस्ट्री विल टेक द एक्शन एंड इंस्टीट्यूट विल आल्सो टेक द एक्शन. तो हम कंप्लायंस को डेफिनेटली इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं, और वो भी इस एरा में 2020 में जब लास्ट 7 ईयर से इतनी पेनल्टीज लगाई है मिनिस्ट्री ने, इतने नए नए प्रोविजन लेके आई है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द लॉ. सो आई थिंक एजीएम से रिलेटेड हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं. स्टिल आई विल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्टर रिपोर्ट. बट किसी का अगर एजीएम से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है तो आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में मेंशन कर दो, वी विल डिस्कस दोस प्रोविजन ऑल्सो. नेक्स्ट इज द डायरेक्टर्स रिपोर्ट. एनुअल मेरे को लगता है एजीएम के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्टर रिपोर्ट, बिकॉज फाइनेंशियल्स आप लोग मेरे से ज्यादा बेटर जानते हैं. तो आई विल नॉट टच दैट थिंग कि फाइनेंशियल्स में क्या करना है, एनुअल डायरेक्टर रिपोर्ट पर डिस्कस करते हैं. डायरेक्टर रिपोर्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट. As per Companies Act, there is a different disclosure of the director report. Section 134, subsection 3 में बहुत सारे disclosures लिखे हैं. वो सभी disclosures company को अपने director report में करने होते हैं. तो generally हम director report बनाते हैं section 134, read with rule 8 of the Companies Act. तो 134 को rule 8 के साथ read करके हम अपनी director report prepare करते हैं. बट जब हम 134 को रीड करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन होते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट से रिलेटेड जो वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं. स्टिल हम डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखते आ रहे हैं सालों से. इस चीज को रोकने के लिए ना मिनिस्ट्री ने 2017 में एक रूल 8A इंट्रोड्यूस किया. रूल 8A रिलेटेड टू एडब्रिज फॉर्म ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट. Adbris form of director report for one person company and small company. अब Adbris form of director report का meaning है with less disclosure. जब भी आप one person company और small company के director report बनाएं, तो आपको 134 और rule 8 comply करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ rule 8A को comply करेंगे. Rule 8A में जो compliances है, वो rule 8 और 134 से बहुत कम है. अब हम आते हैं director's report पे. I will suggest everyone to please have a focus on the screen so that कुछ provisions हम discuss करते हैं. Director's report में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए? Director report में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए? हम हर point को तो detail में नहीं discuss करेंगे, but कुछ-कुछ point discuss करते हैं. Director's report में हमें financial summary देनी पड़ती है, affairs of the company के बारे में लिखना पड़ता है, directorship में क्या change हुआ वो देना पड़ता है, board के commitments देने पड़ते हैं, meeting के बारे में देना पड़ता है. Web link of annual return, इस point को जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद आता है मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स, डिटेल ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल ऑर्डर्स पास बाय द कंपनी, डिटेल ऑफ द फ्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सभी ऐसे डिस्क्लोजर है जो हमें डायरेक्टर रिपोर्ट में देने होते हैं. मेरा एक क्वेश्चन है, डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देने के लिए अगर हम सिर्फ सेक्शन 134 रूल 8 और 8A पढ़ ले वो इनफ है? क्या कंपनीज एक्ट में और भी ऐसे सेक्शंस हैं जो बोलते हैं कि ये चीज डायरेक्टर रिपोर्ट में देनी है, या सिर्फ 134 इनफ है? कंपनीज एक्ट में और भी ऐसे सेक्शंस हैं जिनका डिस्क्लोजर हमें डायरेक्टर रिपोर्ट में देना पड़ता है, या अगर हम सेक्शन 134 को रूल 8 को कंप्लाई कर ले वो इनफ है? समवन हैज मेंशन अदर सेक्शंस आल्सो रेफर. कोई एग्जांपल के साथ दे सकता है सेक्शन नंबर जिसकी कौन से और सेक्शन का हमें कंप्लायंस करना पड़ता है डायरेक्टर रिपोर्ट में? 134 इज द मेन सेक्शन. 134 रूल 8 का हम यूज करते हैं जब अदर देन स्मॉल कंपनीज के लिए बनाते हैं, बट जब भी स्मॉल के लिए और ओपीसी के लिए बनाते हैं तो 134 का रूल 8A लगाते हैं. तो समवन हैज मेंशन हियर अदर सेक्शन भी. आई एम एग्री. जब हम डायरेक्टर रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें सिर्फ 134 को ध्यान नहीं देना है. बट एज अ प्रोफेशनल जब 134 बनाए, सिर्फ 134 डायरेक्टर रिपोर्ट बनाए, सिर्फ 134 रीड नहीं करना है, और भी ऐसे बहुत सारे सेक्शन है कंपनीज एक्ट के जो हमें कंप्लाई करने पड़ते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट बनाते वक्त. तो हमें उन सभी सेक्शंस को भी ध्यान देना चाहिए. अब क्या होता है कि एज अ प्रोफेशनल भी हम हर सेक्शन में कैसे फाइंड आउट करें? तो इसके लिए एज अ स्पीकर आई विल जस्ट से वन थिंग, वी हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट. मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि कौन कौन से सेक्शन का हम डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दे सकते हैं. आई विल शेयर दिस लिस्ट विद राजेश जी आल्सो,
एंड सेम इज पब्लिश्ड ऑन माय वेबसाइट आल्सो जो मैंने अभी चैट बॉक्स में मेंशन किया है. तो उसमें मैंने मेंशन किया कि कौन कौन से सेक्शन रेफर करते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखना. अब वो कंपनी के ऊपर है कि कंपनी पे वो एप्लीकेबल होता है या नहीं. लाइक अभी किसी ने मेंशन किया सीएसआर, सीएसआर की डिटेल्स हमें डायरेक्टर रिपोर्ट में देनी होती है, बट तब देनी होगी जब आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल होगा. एप्लीकेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हुआ तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी. अब इसमें एक आता है कंप्लायंस ऑफ द सेक्टोरल स्टैंडर्ड. अब पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ डालो, ये लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी कंप्लायंस ऑफ द सेक्टोरल स्टैंडर्ड. मतलब सेक्टोरल स्टैंडर्ड इज पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट. सेक्टोरल स्टैंडर्ड 1 के लास्ट में लिखा है कंपनी हैव टू मेंशन इन डायरेक्टर रिपोर्ट whether company has been complied with the provision of sectoral standard or not. So, जब director report बनाएंगे तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि company ने sectoral standard follow किए हैं नहीं, और हर company को लिखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि किसी company को exempt है ये provision, नहीं, हर company को ये provision लिखना पड़ेगा. So, जब हम director report बनाते हैं तो we have to be वेरी केयरफुल जब भी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाए कि सिर्फ हमें 134 फॉलो नहीं करना, अदर सेक्शंस को भी हमें माइंड में लेके चलना है, अदर सेक्शंस पे भी हमें फॉलो फोकस करना है. अब डायरेक्टर रिपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस करता हूँ, फिर मैं और दूसरे क्वेश्चन पे आऊंगा. ये क्वेश्चन जो रेगुलर बेस पर प्रोफेशनल से भी मेरे पास आ रहा है और ज्ञान गुरुकुल में भी डेली आ रहा है, क्या फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए MGT 9 प्रिपेयर करना है या नहीं करना है. अभी जो हम फाइनेंशियल ईयर जिसके डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगे 31 मार्च 20 के लिए MGT 9 बनाना है या नहीं. अदर मेंबर्स प्लीज ओनली रिसीव वन आंसर आउट ऑफ 201 पार्टिसिपेंट्स में से एक आंसर है, 10 आंसर तो बनते हैं 200 में से. वन इज नो, वन इज यस. इस साल MGT 9 बनाना है या नहीं बनाना है, माय क्वेश्चन इज दैट. तूने मेंशन किया यस बनाना है. एनीवन एल्स गाइस, इस साल अब हम बस अगले 15 दिन में डायरेक्टर रिपोर्ट्स ही बनानी है हमें. तो MGT 9 बनाने हैं नहीं बनाने इस बार. तीन ने मेंशन किया यस, एक ने मेंशन किया नो. तो आई विल से यस बनाने हैं, बट कुछ कंपनीज को एग्जाम्प्ट है. अब किन को एग्जाम MGT 9 बनाना, समवन हैज मेंशन अगर वेबसाइट है तो. सबने मेंशन किया कि अगर वेबसाइट है तो बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है. किसी और के व्यू कि हमें किस केस में एग्जम्प्टेड है बनाना नहीं, मतलब एग्जम्प्शन किस केस में, वो मेंशन करो किस केस में नहीं बनाना है. ये एक ऐसा क्वेश्चन है पिछले 3 साल से इशू चल रहा है इस पे, और हर साल जो डायरेक्टर रिपोर्ट बनाते हैं ना ये इशू फिर से आता है, बट इस साल से ये इशू खत्म हो जाएगा. बिकॉज इस साल अगस्त में एक अमेंडमेंट आया था, उसमें मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया कि MGT 9 बनाना है या नहीं बनाना है, और नहीं बनाना तो किसको नहीं बनाना. Someone has mentioned office is small and dormant को नहीं बनाना है. ओके, एक क्वेश्चन और पूछता हूं फिर इस क्वेश्चन पे आऊंगा. इफ अ कंपनी हैविंग वेबसाइट, कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट पब्लिक ऑफिस स्मॉल नॉन स्मॉल लिस्टेड अनलिस्टेड, इफ अ कंपनी हैविंग वेबसाइट तो सेक्शन बोलता है कि हमें एनुअल रिटर्न पब्लिश करनी है. अगर एक कंपनी की वेबसाइट है तो एनुअल रिटर्न पब्लिश करनी है, तो हमें MGT 9 पब्लिश करना है या MGT 7. नेक्स्ट 5 से 7 मिनट हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत क्वेरीज है, और अभी कोई क्वेरी पूछ नहीं रहा है, बट स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड, आई नो कि कितना कंफ्यूजन है इसमें. सो मेरा सिंपल क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स. इफ अ कंपनी हैविंग वेबसाइट, उसको MGT 7 पब्लिश करना है या MGT 9 वेबसाइट पर पब्लिश करना है.
one is MGT7. अब एटलीस्ट इसके तो 8-10 संसद बनते ही हैं, सभी को करना है। MGT9 पब्लिश होगा या MGT7? दोनों मेंशन किया MGT7 पब्लिश करना है। आर वी श्योर MGT7 पब्लिश करना है या MGT9? और किसी का कोई और व्यू क्या, MGT9 पब्लिश करना है या नहीं? चलो एक दो आंसर्स वेट करते हैं, एक दो आंसर्स आ जाए कि हमें MGT9 पब्लिश करना है MGT7, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैंने पर्सनली फेस किया है कि बहुत इश्यूज है प्रोफेशनल को, राइट? Someone has mentioned only link of annual return is to be provided in annual report. Agree. लिंक हमें डायरेक्टर रिपोर्ट में डालना है, बट उस लिंक पे कुछ तो पब्लिश करेंगे ना। उस लिंक पे पब्लिश क्या करेंगे? उस लिंक पे MGT9 पब्लिश करेंगे या MGT7 पब्लिश करेंगे? दिस इज माई क्वेश्चन, बिकॉज आई पर्सनली से कि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली बहुत कंफ्यूजिंग है। MGT9 या MGT7, जैसे अब किसी ने मेंशन किया MGT9, ऊपर किसी ने मेंशन किया था MGT7। एक्ट बोलता है, जैसे ऊपर किसी ने चैट बॉक्स में मेंशन भी किया प्रोविजन, इन केस ऑफ वेबलिंक ऑफ एनुअल रिटर्न हैज बीन डिस्क्लोज इन द डायरेक्टर रिपोर्ट। एक्ट बोलता है कंपनी को एनुअल रिटर्न पब्लिश करनी है इसकी वेबसाइट पे। एनुअल रिटर्न क्या होती है, MGT7 या MGT9? एनुअल रिटर्न होती है MGT7, क्योंकि MGT9 तो है एक्सट्रैक्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न, और एक्ट बोल रहा है आपको एनुअल रिटर्न पब्लिश करनी है। तो एक्ट इज वेरी क्लियर कि आपको MGT7 साइट पे पब्लिश करना है। अब बात आती है MGT9 बनाना है या नहीं। जो रिसेंटली अगस्त में जो अमेंडमेंट आया उसमें स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ने मेंशन किया, इफ अ कंपनी हैविंग वेबसाइट, अगर कंपनी की वेबसाइट है तो कंपनी को वेबसाइट पे एनुअल रिटर्न जो कि MGT7 है वो पब्लिश करना है और MGT9 नहीं बनाना। अब हम आते हैं सिंपल वर्ड पे याद करने के लिए। पहला फंडा, अगर कंपनी की वेबसाइट है तो MGT9 नहीं बनाना है, MGT7 को पब्लिश करना है। तो इस साल अगर हमें चेक करना है कि MGT9 बनाना है या नहीं बनाना है, तो पहले चेक कर लो वेबसाइट है या नहीं है। वेबसाइट है तो MGT9 नहीं बनाना है, वेबसाइट है तो MGT9 को भूल जाओ, सिर्फ MGT7 को साइट पे पब्लिश करना है, दैट्स इट। तो दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, सबको यही रहता है कि MGT9 बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो क्या MGT9 पब्लिश करना है। कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? यस डेफिनेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको हम सिंपल लाइन में डिस्कस करते हैं। हम चेक करेंगे कि कंपनी की वेबसाइट है या नहीं है, वेबसाइट है तो MGT9 बनेगा ही नहीं, वेबसाइट पे MGT7 पब्लिश हो जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन वो थी जब वेबसाइट है। सेकंड सिचुएशन पे आते हैं, वेबसाइट ही नहीं है, तो जब वेबसाइट ही नहीं है पब्लिकेशन तो वैसे ही खत्म हो गया, जब पब्लिश ही नहीं करना तो MGT9 बनके डायरेक्टर रिपोर्ट का पार्ट बन जाएगा। वेबसाइट होती तो MGT9 नहीं बनाना पड़ता, जस्ट उस पब्लिकेशन का लिंक हमें अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता। तो दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन। सो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वेबसाइट है या वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट है तो MGT9 नहीं बनेगा, वेबसाइट नहीं है तो MGT9 बनेगा। दिस इज द सिंपल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्टर रिपोर्ट में लिंक देना है पब्लिकेशन का, पब्लिश करना है MGT7। डायरेक्टर रिपोर्ट बनती है AGM से पहले, MGT7 बनता है AGM के बाद। तो जो चीज बनेगी AGM के बाद, AGM से पहले बनने वाली चीज में उसका लिंक कैसे चला जाएगा? तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जस्ट वन प्रोविजन आई कैन से, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर कंपनी की वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट पे एक पेज को ब्लॉक कीजिए और मेंशन देयर ऑन दैट पेज कि वंस द एनुअल रिटर्न ऑफ कंपनी विल बी प्रिपेयर्ड विल बी पब्लिश हियर, और जो उस पेज का लिंक है वो डायरेक्टर रिपोर्ट में डालो और डायरेक्टर रिपोर्ट में मेंशन करो वंस द एनुअल रिटर्न ऑफ कंपनी विल बी रेडी विल बी पब्लिश ऑन दिस लिंक।
तो जब रेडी होगी तो इस लिंक पे अवेलेबल हो जाएगी. दिस इज द वन स्कूल ऑफ थॉट, दिस इज द वन सजेशन फ्रॉम माय साइड. आई कैन से कि दिस पॉइंट आई हैव थॉट ऑफ, दिस इज द ओनली वे आउट अकॉर्डिंग टू मी. बट पब्लिश करना है MGT 7, ये बहुत क्लियर है. ये अभी मिस्टर विशाल ने ऊपर प्रोविजन भी सेंड किया, जो लेटेस्ट प्रोविजन आया उसमें भी मेंशन किया हुआ है कि अगर कंपनी की वेबसाइट है तो आपको वेबसाइट पे एनुअल रिटर्न जो कि MGT 7 है वो पब्लिश करना और MGT 9 बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हाँ, अब someone has mentioned कि जो ये पब्लिकेशन का क्लोज है क्या पब्लिक और प्राइवेट सभी कंपनीज के लिए? यस, ये पब्लिक प्राइवेट स्मॉल नॉन स्मॉल ओपीसी सभी कंपनीज के लिए है. अगर आपकी कंपनी चाहे प्राइवेट स्मॉल कंपनी भी है बट उस कंपनी की वेबसाइट है तो आपको पब्लिश करना पड़ेगा. तो वेदर इट इज अ पब्लिक कंपनी वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी, ये पॉइंट डेफिनेटली सभी कंपनीज के लिए है. सो एनी क्वेश्चन ऑन MGT 9 और MGT 7? बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है 3 साल से कंफ्यूजन चल रही थी बट इस साल जो मिनिस्ट्री ने अगस्त में जो सर्कुलर पास किया उसके बाद बहुत क्लियर कर दिया है इस प्रोविजन को. इन प्रोविजन से रिगार्डिंग सम आर्टिकल्स मैंने अपनी साइट पे भी पब्लिश किए हुए हैं, जस्ट फॉर द फ्यूचर पर्पज जब हम काम कर रहे होते हैं कभी हमें चाहिए तो यू कैन रेफर देयर ऑल्सो. वन मोर क्वेश्चन इज देयर, एनी पेनल्टी फॉर नॉन पब्लिशिंग? डेफिनेटली सर, ये क्वेश्चन हमें डेफिनेटली कंपनीज एक्ट में कहीं भी अगर हम कोई नॉन कंप्लायंस करते हैं तो हर सेक्शन की कोई ना कोई पेनल्टी डेफिनेटली है. अब जो ये रिक्वायरमेंट है ये 134 सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप 134 सेक्शन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो उस सेक्शन की जो पेनल्टी होगी डेफिनेटली दैट विल बी द पेनल्टी ऑन द कंपनी. ओके, समवन हैज मेंशन बट प्राइवेट कंपनी नीड नॉट टू डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल रिलेटेड डाटा टू जनरल पब्लिक. सर, एज वी नो MC की साइट पे कुछ भी वो छुपा हुआ नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. आपकी एक प्राइवेट कंपनी भी है, कोई भी पर्सन 100 रुपीज की फीस पे करके आपके सारे फाइनेंशियल डाउनलोड कर सकता है. तो ऐसा कहीं नहीं है कि प्राइवेट कंपनी को अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोज नहीं करने पड़ते, ऑलरेडी देयर फाइनेंशियल्स आर डिस्क्लोज. सेकंड थिंग, हम जो पब्लिश करने की बात कर रहे हैं एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न में फाइनेंशियली दो ही फिगर जाती है, टर्नओवर और नेटवर्थ. इसके अलावा एनुअल रिटर्न में और कोई ऐसी फिगर नहीं होती है जो हमारी साइट पे हमें कोई इशू होगा. और फाइनेंशियल्स की बात है तो मिनिस्ट्री एंड द कंट्री इज वर्किंग इन वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर. फाइनेंशियल्स आप किसी भी कंपनी के कभी भी डाउनलोड मिनिस्ट्री के साइट से जस्ट 100 रुपीज पे करके डाउनलोड कर सकते हो, तो देयर इज नो इशू ऑन दैट. अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, मे बी पॉइंट्स आर स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट. हु विल साइन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट? कंपनीज एक्ट बोलता है द डायरेक्टर रिपोर्ट शैल बी साइन बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी इफ ही इज ऑथराइज्ड बाय बोर्ड. इसने लिखा था चेयरमैन ऑफ द कंपनी इंडिविजुअली भी साइन कर सकता है अगर बोर्ड ऑथराइज कर दे, दो डायरेक्टर की साइन करने की जरूरत नहीं है. अब एक प्राइवेट कंपनी है, दो डायरेक्टर है, उनमें से एक को कंपनी ने बना दिया चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और उसी मीटिंग में डायरेक्टर रिपोर्ट अप्रूव हुई. अब उस पर्सन को चेयरमैन ऑफ द मीटिंग बना दिया और उसी मीटिंग में डायरेक्टर रिपोर्ट अप्रूव हुई है और बोर्ड उसे ऑथराइज कर देती है, तो क्या वो अकेला साइन कर सकता है डायरेक्टर रिपोर्ट? इज इट अ प्रॉपर कंप्लायंस? यस, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर रिपोर्ट अप्रूव हुई, उसी बोर्ड मीटिंग में एक डायरेक्टर को चेयरमैन ऑफ द मीटिंग बना दिया और ऑथराइज कर दिया डायरेक्टर रिपोर्ट इंडिविजुअली साइन करने को. इज इट अ प्रॉपर कंप्लायंस? टू मेंशन यस, वन मेंशन नो, किसी का नो भी आंसर आया है. ओके, एनी अदर व्यू, क्या ये प्रॉपर कंप्लायंस है लोग का? आई थिंक आज काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई है. रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर गाइडेंस ऑन डायरेक्टर्स रिपोर्ट. मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा राजेश जी को. इसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट जैसे मैंने MGT 9 शेयर डिस्कस किया, इवन कोई किसी को अगर किसी टाइप का डायरेक्टर रिपोर्ट का फॉर्मेट भी अगर देखना हो, मैंने अपनी वेबसाइट पे वो भी पब्लिश किया हुआ है जस्ट फॉर द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल्स. तो आप लोग वहां से डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. और जब राजेश जी को प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा आई विल शेयर वेबसाइट लिंक ऑल्सो सो एवरीवन कैन एक्सेस दैट. जी, अदर पर्सन सिग्नेचर ऑल्सो रिक्वायर्ड. ओके,
सब यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, हमें लगता है कि आप शेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और मेरे पूछने के बाद और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, उसके बाद डाउट आ जाता है कि सही में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो जो एक्ट लिखता है ना, एक्ट ने मेंशन किया चेयरमैन ऑफ द कंपनी इफ ही इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। जिस पर्सन को हम बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो चेयरमैन ऑफ द कंपनी हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। चेयरमैन ऑफ द कंपनी दो ही वे से अपॉइंट हो सकता है, या तो उसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो एज अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी, या शेयर होल्डर ने उसे चेयरमैन ऑफ द कंपनी बनाया हो। तो एक पर्सन जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन था, उसको हम चेयरमैन ऑफ द कंपनी नहीं बोल सकते। जब उसको चेयरमैन ऑफ द कंपनी नहीं बोल सकते, तो वो पर्सन इंडिविजुअली साइन भी नहीं कर सकता। उस केस में हमें दो पर्सन के साइन करवाने ही पड़ेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, हमें पता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ हमें बहुत सारे एनेक्सेस लगाने पड़ते हैं, जैसे हम एमजेटी 9 लगाते हैं, एओसी 1 लगाते हैं, एओसी 2 लगाते हैं, सीएसआर एनेक्सर। अगर मैं बोलता हूँ मेरी कंपनी में चार डायरेक्टर है, चारों बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट थे, दोनों डायरेक्टर रिपोर्ट साइन कर दी, दोनों एनेक्सर साइन कर दिए, इज इट ओके? इज इट अ प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ लॉ? चारों प्रेजेंट थे उसी मीटिंग में, डायरेक्टर रिपोर्ट अप्रूव हुई उसी मीटिंग में, एनेक्सर अप्रूव हुए, दोनों डायरेक्टर रिपोर्ट साइन कर दी, दोनों एनेक्सर साइन कर दिए, इज इट प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ लॉ? नो, एक आंसर आया नो। और कोई व्यू, क्या ये प्रॉपर कंप्लायंस नहीं है लोग का? डायरेक्टर्स ने साइन करना था ना, दो डायरेक्टर से साइन होना चाहिए, दोनों कर दिया एनेक्सर और दोनों डायरेक्टर रिपोर्ट साइन कर दी, दो आंसर आए हैं नो। एनी और आंसर गाइस? वी जस्ट हैव टू मेंशन यस और नो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग शुड साइन। ओके, प्रोविजन कहता है कि एटलीस्ट दो से साइन होना चाहिए, तो ऑल द डायरेक्टर्स वाला ऑप्शन तो पहले ही बाहर निकल गया, चार थे, चार में से दो कर देंगे तो इनफ है। पर मेरा क्वेश्चन है कि दोनों डायरेक्टर रिपोर्ट साइन किए और दूसरे दोनों एनेक्सर साइन किए, सो कंपनीज एक्ट बोलता है इन द मैनर डायरेक्टर रिपोर्ट साइन इन सेम मैनर एनेक्सर शुड बी साइन। सो जिन दो डायरेक्टर्स ने डायरेक्टर रिपोर्ट साइन की है, वो ही सेम डायरेक्टर अनेक्स्टर भी साइन करेंगे। तो जिस मैनर में डायरेक्टर रिपोर्ट साइन हुई है, उसी मैनर में अनेक्स्टर भी साइन होना चाहिए। देयर कैन नॉट बी डिफरेंशिएट बिटवीन साइनिंग इन डायरेक्टर रिपोर्ट एंड साइनिंग इन अनेक्स्टर, सो इट शुड बी सेम। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेटवर्क इशू हो गया आई थिंक सर, नेटवर्क इशू हो गया दिवेश जी के साथ, नेटवर्क इशू है शायद, यही मैं देख रहा हूँ। यस सर, कर लेंगे, रिजॉइन करेंगे वो, वी आर वेटिंग, आप करेंगे ना ज्वाइन? यस, ही इज कमिंग। हो गई क्यों? फोन करूं उनको? यस सर, यस सर। कई बार लाइट का इशू हो जाता है, हो सकता है लाइट ना चली गई। हाँ, कई बार हो जाता है, मैं कर रहा हूँ फोन जी। ओके सर, ओके ओके, विद इन ए वन मिनट ही इज जॉइनिंग अस। ओके सर।
नेटवर्क इशू है, उनका आ गया मैसेज, तभी उनका फोटो स्टिल हो गया था। हाँ गुरुजी ने टाइम दे दिया है आहूजा जी ने हमको बजट मीटिंग के लिए, जी 4:30 2 फरवरी। ग्रेट सर। आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर काइंडली नोट ब्लॉक योर डायरी फॉर 2 फरवरी 4:30 PM ऑन बजट टॉक बाय डॉक्टर सी ए ग्रीस आहूजा जी। मैं चैट बॉक्स में लिख भी देता हूँ। हाँ वही जा रही है राजेश जी मेरी। जिस मैनर में बैलेंस शीट साइन हुई है उसी मैनर में एओसी टू भी साइन होना चाहिए। तो बैलेंस शीट को डायरेक्टर और ऑडिटर दोनों साइन करते हैं, तो सेम विद द एओसी टू, एओसी टू भी साइन होनी चाहिए ऑडिटर से भी, एक्ट ये बोलता है। अब एक और अनेक्स्चर होता है कंपनीज एक्ट में, सीएसआर अनेक्स्चर। अब सीएसआर अनेक्स्चर में क्या है, सीएसआर अनेक्स्चर कौन साइन कर सकता है? क्या सेम प्रोविजन सीएसआर अनेक्स्चर के लिए है या कोई डिफरेंट प्रोविजन है? एनीवन कैन आंसर, क्या सीएसआर के लिए भी सेम प्रोविजन है, सीएसआर अनेक्स्चर के लिए कोई डिफरेंट प्रोविजन है? CSR committee, someone has mentioned. Can you please elaborate CSR committee में से कौन? CSR annexure के लिए act बोलता है, CSR annexure should be signed by chairman of the CSR committee. It is mandatory कि CSR annexure chairman of the CSR committee ही बनाए, sign करे. So these are the some provisions relating to the, we can say, director's report. अब एक दो और provision है। किस केस में कंपनीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं? कौन से केसेस है जब कंपनीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं? गाइस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। एसोसिएट के केस में सर? जिस केस में, सब्सिडीज के केस में और एसोसिएट के केस में? जी 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 राइट। जब भी कंपनी की कोई सब्सिडरी या एसोसिएट है तो उस केस में कंपनीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ एक मेरा क्वेश्चन है, मेरी कंपनी की एक सब्सिडरी है, उस केस में मेरी कंपनी स्टैंड अलोन भी बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड भी बनाएगी। जब मैं डायरेक्टर रिपोर्ट बनाऊंगा, डायरेक्टर रिपोर्ट में बहुत जगह हमें फाइनेंशियल फिगर देखनी देनी होती है, जैसे फाइनेंशियल समरी, डिटेल ऑफ लोन, डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की दूंगा या स्टैंड अलोन बैलेंस शीट की दूंगा? दिस इज माय क्वेश्चन। डायरेक्टर रिपोर्ट जो बनेगी वो स्टैंड अलोन के बेस पे बनेगी या कंसोलिडेटेड के बेस पे बनेगी? वन आंसर इज स्टैंड अलोन, टू आंसर स्टैंड अलोन। एनीवन एल्स? हमें चार आंसर्स मिले हैं कि स्टैंड अलोन के बेस में मिलेगी। किसी और का कोई व्यू? एक का व्यू है कंसोलिडेशन। और कोई कंसोलिडेशन के फेवर में या स्टैंड अलोन के फेवर में? दो व्यू है कंसोलिडेशन, कि डायरेक्टर रिपोर्ट जो बनेगी वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल के बेस पे बनेगी या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल के बेस पे बनेगी, बिकॉज हमेशा ये क्वेश्चन का इशू रहता है। जब हम डायरेक्टर रिपोर्ट बनाते हैं उस टाइम समझ नहीं आता है कि स्टैंड अलोन में से फिगर लेके डालनी है या कंसोलिडेटेड में से फिगर लेके डालनी है, कौन से फिगर्स को हमें मेंशन करना है। तो कुछ ने मेंशन किया स्टैंड अलोन और कुछ ने मेंशन किया कंसोलिडेटेड। तो जो डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी ना वो स्टैंड अलोन के बेस पे ही बनेगी। डायरेक्टर रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट की ही इन्फॉर्मेशन जाएगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट। अब हम बात कर रहे थे डायरेक्टर रिपोर्ट में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना होता है, कि डायरेक्टर रिपोर्ट में हमें डिस्क्लोजर्स देने होते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। बट डायरेक्टर रिपोर्ट में हमें सिर्फ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर्स नहीं देने होते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में और भी एक्ट के अकॉर्डिंग हमें डिस्क्लोजर्स देने होते हैं।
सो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कंपनीज एक्ट के अलावा भी हमें डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, जैसे कि आई जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। राजेश जी एनेबल कर देंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए? सर 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 यस थैंक यू। तो डायरेक्टर रिपोर्ट में सिर्फ कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर नहीं जाते, और भी एक्ट्स के जाते हैं, डिपेंड कि मेरी कंपनी पे क्या लगता है। फॉर एन एग्जांपल अगर कंपनी लिस्टेड है तो लिस्टेड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग भी आपको कंप्लायंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। लिस्टेड एग्रीमेंट भी बहुत सारी जगह बोलता है कि ये डिस्क्लोजर डायरेक्टर रिपोर्ट में देने हैं, तो वो भी हमें देने पड़ते हैं। अगर हमारी कंपनी एनबीएफसी है या इंश्योरेंस कंपनी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो उनके जो स्पेसिफिक एक्ट होते हैं उनके डिस्क्लोजर भी देने पड़ते हैं। एनबीएफसी के लिए आरबीआई के प्रोविजंस देखने पड़ेंगे, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए के प्रोविजंस देखने पड़ेंगे। सबसे मेन है ये, 2013 में एक एक्ट पास हुआ था, प्रिवेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस। इस एक्ट के सेक्शन 22 में लिखा है कि कंपनीज में, ये एक्ट उस पे लगता है जिस भी कंपनी में मोर देन 10 एम्प्लॉई है, वेदर मेल और वेदर फीमेल, अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉई है तो पोस्ट एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट एक्ट, अगर कंपनी में 10 से ज्यादा एम्प्लॉई है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ द पोस्ट एक्ट, कंपनी को अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में पोस्ट एक्ट के रिगार्डिंग भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है। कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ता है पोस्ट एक्ट के रिगार्डिंग की, लाइक पोस्ट एक्ट के रिगार्डिंग वी हैव टू गिव डिस्क्लोजर की कोई कमेटी बनाई हुई है नहीं बनाई हुई है, जो मैंडेटरी है। क्या कोई केसेस आए थे ड्यूरिंग द ईयर, केसेस आए थे तो उनका रेजोल्यूशन कैसे हुआ, नहीं हुआ तो क्यों हुआ, एवरीथिंग दे हैव टू मेंशन इन द डायरेक्टर रिपोर्ट। So these all are the provision relating to the director report. अब annual filing से related हमारा next question और आज की presentation का next topic है due date of filing of AOC for an MGT 7. एक professional से ये question बहुत आ रहा है कि MGT 7 और AOC 4 की due date क्या है CFS extend होने के बाद। तो we should be clear, MGT 7 और AOC 4 की due date मिनिस्ट्री ने भी मेंशन किया साइट के ऊपर, अकॉर्डिंग टू एक्ट ही है। एक्ट बोलता है MGT AOC 4 should be filed within 30 days of holding of AGM and MGT 7 within 60 days of holding of AGM। तो जब कंपनी ने AGM होल्ड किया वहां से काउंट कर लो 30 दिन और 60 दिन में हमें फाइल करने हैं, दैट इज द ड्यू डेट फॉर होल्डिंग। और अगर ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है। सबसे पहले ₹100 पर डे की एडिशनल फीस। सेकेंड, हमें लगता है कि सिर्फ एडिशनल फीस देके हम बच गए तो ऐसा नहीं है। 2019 के लास्ट में, कोविड आने से थोड़े टाइम पहले ही, मिनिस्ट्री ने कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया था। उसमें एक सेक्शन पास किया था, नोटिफाई किया था सेक्शन 454। उस सेक्शन में लिखा अगर कोई कंपनी अपना कोई फॉर्म डिले फाइल करती है तो आरओसी के पास डायरेक्ट पावर है कंपनी को एडजुडिकेशन का नोटिस भेज के पेनल्टी लगाने की। हमने कुछ कंपनीज के केस में फेस भी किया था ये क्वेश्चन कि MGT 9 अगर 30 दिन में फाइल करना था, MGT 14 30 दिन में नहीं फाइल किया तो सीधा नोटिस आया था उसी से 50,000 की पेनल्टी, 75,000 की पेनल्टी, डिफरेंट डेट्स की। तो सिर्फ लेट फाइल करने में सिर्फ ₹100 एडिशनल फीस नहीं है, और भी पेनल्टीज है। और जब कंपनी लेट फाइल करती है तो जितना पीरियड लेट है एक्चुअल ड्यू डेट से एक्चुअल फाइलिंग डेट तब तक के लिए उसकी प्राइवेट कंपनी की सारी एग्जम्पशंस भी विथड्रॉ हो जाती है। So these are the all provision of the Companies Act. So in provisions ko everyone have to be take care while doing annual filings. So hope we have justified with the topic and jo bhi hamare aaj ke points se queries se hum unko acche se discuss kar paaye hain. Baki Rajesh ji batayenge, Rajesh ji beech mein net disconnect hua tha to koi query ya kisi ki kuch agar miss hua ho to I'm ready to take up that. Nahi koi nahi sir, wonderful. मुझे लगता है कोई क्वेश्चन तो है नहीं। एक सर क्वेश्चन आया है सुनील गौर जी का, बताइए ना सर। एनलाइटन अस ऑन DPT-3। तो DPT-3 हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया, इट इज अ बिग टॉपिक, तो मैं DPT-3 में अभी पूरा डिस्कस कर नहीं पाऊंगा। इट इज डेफिनेटली अ सेपरेट टॉपिक, जो हमने एक बार लास्ट टाइम स्पेसिफिक वेबिनार भी किया था इस पे। ठीक भाई जी, बिल्कुल ठीक है, हमने किया था, बिल्कुल याद है मेरे को। यस सर। ओके सर, विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर ए वंडरफुल डिलीवरेशन। थैंक यू सर। Question answer base. Our Jagjit Singh ji with us. I welcome him and request him for vote of thanks, sir. Over to Jagjit ji. Thank you, sir.
Very good evening, everyone, and thank you, Rajesh ji, for giving this such a great opportunity. You know, vote of thanks to Divesh ji. He's a very energetic person, very knowledgeable person, very young and decent, and a dynamic personality. You know, Divesh ji has covered many points, you know, like the deemed public company started from this point and then moved to the AGM, Section 8 company, registered company, directors meetings and CSR committees. You know, the few minutes earlier, you know, he was discussing about and the MGT 7 and the AOC 4. The DBT 3, yes, it's a very big topic. So definitely Divesh ji ko fir mauka milna chahiye. So for another wonderful presentation. And on behalf of Pusa Road study Circle and all the members of the Study Circle, so thanks a lot, Divesh ji, for coming here and giving your precious time. And now over to Rajesh ji, please. Rajesh ji, thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Rajesh ji. Thank you, Rajesh ji. Thank you. And thanks to Divesh ji for a newly married just now. Congrats, sir. Congrats. Great.